बहुत धन्यवाद मनीष भैया, पूरी टीम जो यहाँ पर बैठी है उनको हृदय से नमस्कार करते हुए धन्यवाद करते हुए कुछ पलों की अपनी बात हम लोग शुरू करेंगे। उससे पहले एक प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि प्रश्नों से आपका वास्ता रहता है और बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। परेशानी में कोई कमी तो नहीं है? परेशानी में कोई कमी तो नहीं है ना? वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, परेशानी में कोई कमी तो नहीं है ना? कमी है? नहीं है, बनी हुई है। मतलब तो आइए कुछ एक प्रयास करते हैं। प्रयास ऐसा है कि जैसा कि भैया ने निवेदन किया और हम लोग यही कहना चाहेंगे कि इस दुनिया में जिसके पास जो होता है वही दूसरों को देता है। मेरे पास 10 रुपया है, आप मेरे से 100 रुपया मांगिएगा तो कहाँ से मांगा, चोरी चकारी करूंगा इधर उधर से या जुगाड़ करूंगा अगर प्यार आदमी इतना होगी तो। आपके मनीष भैया के खुद के पास इतनी भावनाएं हैं, इतने अच्छे पद पर कार्य कर रहे हैं और उत्तर उत्तर प्रगति कर रहे हैं, लेकिन एक पूरी टीम के साथ और इनके साथ जो और हमारे साथी हैं जो विभिन्न कार्यों में लगे हुए हैं, लेकिन आप सबके लिए कुछ अच्छा करने की सोच रहे हैं। आज की इस दुनिया में इंसान अपना अच्छा करने की तो सोचता है, अपना अच्छा और अपना ही अच्छा, और उसमें दूसरे का अच्छा अगर हो जाए तो उसमें भी कोशिश करता है उधर कैसे चला गया, इधर ही आ। लेकिन ऐसी दुनिया में अभी भी भारतीय संस्कृति, देव संस्कृति की वो ऋषि संस्कृति की वो स्पीशीज जिंदा है जो अपने साथ औरों का भी अच्छा करने की सोचती है कि अपनी लाइफ टाइम में जो दिक्कतें हमें आई वो अगली जनरेशन को ना आए। तो आइए एक प्रयास हम लोग करें कि उनके इस प्रयास को सफल बनाएं। प्रयास सफल तभी हो गया जब आप यहाँ पर आ गए, और अब आप जो यहाँ पर आ गए हैं तो आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, आप में से कितने लोग जीवित हैं, हाथ उठाइए और देखिए हाथ नीचे कर लीजिएगा। हम लोग ये रास्ते पर चर्चा करते हैं आशीष भाई और हम, ये प्रोग्राम जिस मूवमेंट से आप यहाँ पर एंटर किए हैं ना, उस मूवमेंट से वर्कशॉप शुरू हो चुकी है, क्योंकि यहाँ घट रही एक एक घटना, एक एक पल अपने आप में एक एक शिक्षण है, एक एक चीज, छोटी छोटी चीज। आप सभी लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी और की तैयारी कर रहे होंगे तो इंटरव्यू तो देंगे ना। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि कई बार वो प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो उसका उत्तर जरूर होता है, और प्रश्नकर्ता का काम होता है प्रश्न पूछना, और आप एज ए कैंडिडेट अगर सामने आए तो आपका आपका दायित्व उस समय क्या है, उत्तर देना। जैसे मैं अगर पूछू राजेश हो तो कह बताने की क्या जरूरत है, हम तो आई जानते नहीं हो क्या है हम, आशीष जी हो अजीब आदमी हमसे पूछ रहा है आशीष जी है तो हैं? तो वैसे ही कितने लोग जीवित हैं आप में से बताइए, तो अच्छे से बताइए, ये तो लग रहा है कि लेते के जी रहे हैं। देखिए गलत तो नहीं कहना हम, कुछ इंटरव्यू प्रिपरेशन अगर करनी है, एक तरफ आपकी ज्ञान को आप कागजों पे उतारेंगे लेकिन एक तरफ आपको बोल के भी उतारना पड़ेगा और एक तरफ कुछ करके बताना पड़ेगा। तो एक बार सबसे पहला फार्मूला, अगर आपसे कोई भी प्रश्न हो तो प्रश्नकर्ता का काम है प्रश्न पूछना, उस समय आप प्रश्नकर्ता है उत्तर करता है, यू आर सपोज टू आंसर, एंड व्हेन यू आर सपोज टू आंसर, यू आर सपोज टू आंसर इन अ वे एज यू आर आंसरिंग। मतलब कि फिर से प्रश्न पूछते हैं, जीवित हैं जो लोग जीवित हैं हाथ उठाइए, धन्यवाद, हाथ नीचे कीजिए। थोड़ा सा समय लगा लेकिन 2-3 बार में हमने महसूस किया कि हम जीवित हैं, जीवित हैं, हाथ नीचे, दुखी हैं, बस इसका उल्टा होता है, दुखी है तो हाथ उठाइए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। फिर ये मत सोचिए कि पड़ोसी देख के क्या कहेगा, जब जीवित है का उत्तर आपको देने कहा गया, आपने सोचा कि पड़ोसी जीवित है कि मृत, वैसे कई लोग पड़ोसियों के आधार पर चलते हैं, ए सहेली तू जीवित है क्या, है क्या, अच्छा अच्छा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही है क्या, अच्छा मैं भी कर लेती, अच्छा तू भी करेगा, अच्छा मैं भी कर लेती। तो आइए कुछ पलों के लिए ये जो दुनिया है इससे अलग चलते हैं। अगर आप सभी के पास इस दुनिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा हथियार है जो किसी भी पल आपको अपने साथ लेके कहीं भी ला सकता है तो उसे शांत कर लीजिए। आज के क्षण में अगर किसी के लिए कुछ दुआएं मांगनी हो तो उसको बोलिए भगवान इसे मोबाइल से बचाए। मोबाइल है आपके पास अभी क्या, अगर है तो शांत कर लीजिएगा, और अगर नहीं है तो उससे अच्छा क्या, क्योंकि इसमें इतनी ताकत है कि आज के समय का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्टर के रूप में हमारे सामने आ रहा है।
प्रिपरेशन करने बैठे थे, अचानक से हुआ टिंग, कॉमेडी हो गए टॉन्ग। एक तो बात देख लेते हैं बस, समाज सेवा कर लेते हैं, सोशल सर्विस, सोशल नेटवर्किंग, सोशल मीडिया करते 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 निकल लिए गए। मोबाइल शांत है तो काफी कुछ शांत हो जाता है ना। कमर टेढ़ी करके बैठिए, कमर टेढ़ी, आंखें मटमटाते रहिए और साथ ही साथ बिल्कुल मुंह लटका हुआ दुखी, ऐसा कि चेहरा देख के लगे कि कितने दिनों से दिक्कत बनी हुई है। कमर टेढ़ी सीधी कर लिए, चलिए सीधी कर लीजिए। देखिए जो कीजिए अच्छे से कीजिए, इधर उधर नहीं, आधा अधूरा नहीं, प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छे से कीजिए और नहीं तो रहने दीजिए। कमर सीधी करना है तो कर ही लीजिए, बाकी आपकी कमर है, सीधी होगी तो कमीशन हमको तो मिलेगी नहीं, है ना। कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोदी में कर लें, आंखें बंद ही कर लें, कमर सीधी, दोनों हाथ गोदी में, आंखें बंद, सहजता से बंद। एक रिदम, अगले कुछ पल संगीत के साथ और संगीत के समाप्त होने के बाद कुछ पल शांत। छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। अब प्रयास करो लंबी गहरी सांस लेकर के बारी बारी से तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे। सांस लीजिए, ओम का उच्चारण, आपस में रगड़ेंगे, आंखें बंद रहेंगी, बंद आंखों पर हथेलियों को रखेंगे और उस अंधेरे में पलकों को खोलेंगे, धीरे से हाथों को हटा। नाउ इट्स टाइम फॉर रिफ्लेक्शंस। रिफ्लेक्शंस मींस कि जहां से हमने बात शुरू की और जहां तक अभी हम आके रुके, इन सब के बीच में क्या कुछ ऐसा है जो आपकी मदद कर सकता है यदि आपके दैनिक जीवन का वो हिस्सा बन जाए, बताइए। प्रश्न है तो उत्तर होगा, है उत्तर किसके पास है, देखिए कहीं जेब में रखा है तो निकालिए। कोई भी ऐसी चीज है जो हर चीज का एक ही लक्ष्य होगा कि जो आपके सिविल सर्विसेज की तैयारी आप कर रहे हैं उसके लिए उसका क्या योगदान होगा, कहीं से शुरुआत हो। सबसे पहला एक अभ्यास हमने आपको कराया, हाथ उठाने का कराया ना। आज से आप याद रखिए, एक मंत्र हमारे साथ बोलिए, अंग्रेजी में बोलेंगे
बोलिए डोंट वेट जस्ट इनिशिएट डोंट वेट। अब सब ऐसे बोलिए छोटे बच्चों की तरह बिल्कुल थोड़ी देर के लिए बच्चे बनिए हाथ आगे करिए ऐसे डोंट वेट जस्ट इनिशिएट डोंट वेट जस्ट इनिशिएट। अब दूसरी तरीके से बोलेंगे डोंट वेट जस्ट इनिशिएट ठीक है डोंट वेट डोंट वेट जस्ट इनिशिएट डोंट वेट जस्ट इनिशिएट डोंट वेट जस्ट इनिशिएट। पूरी तैयारी में चाहे पढ़ाई हो चाहे कोई नई शुरुआत करनी हो चाहे कोई नया इनिशिएटिव लेना हो चाहे किसी को अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखानी हो चाहे आपको लीड मैनेजरियल स्किल्स दिखानी हो डोंट वेट जस्ट इनिशिएट एक ऐसा मंत्र है यदि आपने इसे अपना लिया बिना ये सोचे कि दुनिया क्या कहेगी लोग क्या सोचेंगे। मैं बार बार एक ही चीज कहूंगा यदि आप लोग प्रश्न का उत्तर खटाक से नहीं देंगे तो खटाक से उत्तर नहीं देना मतलब अभी तैयारी में थोड़ा सा समय लगेगा और जिसने खटाक से उत्तर देना शुरू किया बिना ज्यादा ये सोचे अभी लग रहा होगा ना कहीं उत्तर क्योंकि अक्सर क्या होता है माइक जिसके पास होता है उसी के साथ सबकी मतलब आबरू सबकी उसी के पास होती है लगभग ऐसा टाइप रहता है कि बदला हमने कुछ बोला उन्होंने बोला नहीं सॉरी नो गलत है बैठ जाइए ऐसा यहाँ कुछ होना नहीं है ना। चलिए बताइए क्या क्या चीज हम लोगों ने शुरुआत से कुछ कुछ इसमें गौर करने लायक चीज रही आपको जो आपके मतलब की काम आएंगे आपके जीवन में। देखिए ज्यादा बुलवाएंगे ना तो मैं भी भूल जाऊंगा क्या बोला था जी। सबसे पहला काम अपन ने आते किया परेशानी में कोई कमी तो नहीं। आपने भी बताया नहीं हो सकता सच में ना हो लेकिन हो सकता है कि परेशानी बनी हुई है तो उसका उत्तर देना क्या चाह रहे थे मतलब परेशानी में कमी नहीं है या जो नॉर्मली सुनी हुई चीज रहती है और भाई साहब सब ठीक है और बहन जी सब ठीक है। हम लोग कई बार अपने कानों से चीजों को हैबिचुएशन के थ्रू सुनते हैं मतलब वी आर हैबिचुएटेड ये बोला मतलब यही बोला होगा। अवेयरनेस सबसे पहली चीज क्या है अवेयरनेस अवेयरनेस कहीं वो लिख लीजिए अवेयरनेस दिमाग में लिख लीजिए पेन लगा लीजिए अवेयरनेस। दूसरा फील गुड फील गुड। इस पूरी दुनिया में अभी जितनी आबादी है ना उसमें कितने ऐसे फॉर्चुनेट लोग होंगे जो इस समय ऐसी जगह पर बैठ करके तैयारी कर पा रहे होंगे। इस पूरी दुनिया को अगर आप उठा के देखिए तो क्या हजारों में ऐसे लोग हैं जिनको स्कूल नसीब नहीं है हजारों में है क्या लाखों में है क्या करोड़ों में है ना उससे भी ज्यादा है। फैक्ट्स एक तरफ है लेकिन मूलतः ये देख लीजिए कि इस दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको पढ़ाई नसीब नहीं है बेसिक एजुकेशन। हमारे नसीब कितने अच्छे हैं कि हमने पढ़ाई लिखाई भी कर ली और हम एक नए सपने को लेकर नए लक्ष्य को लेकर के आगे चल रहे हैं। कई लोगों को पढ़ाई नसीब है तो उनके पास जीवन में सपने नहीं है जिनके पास सपने हैं उनके पास संसाधन नहीं है। और कई ऐसे लोग होते हैं जिनके घर वालों ने अपने संसाधनों को दांव पे लगा करके उनको यहाँ प्रस्तुत किया है कि तुम अपने सपने पूरे करो हमने अपनी जिंदगी जैसी जी जी लेकिन तुम अपने सपने पूरे करो। अवेयरनेस सबसे पहली चीज। और आज की इस कक्षा में 2+2=4 नहीं सिखाया जाएगा ये नहीं बताया जाएगा कि C6H6 कुछ ऐसा होता है कुछ ऐसा होता है ना फिजिक्स का कोई लॉ पढ़ाया जाएगा लेकिन आज की जो चर्चा है इस चर्चा में जो पढ़ाया जाएगा जो पढ़ा जाएगा उसका केंद्र क्या है कौन सा विषय पढ़ रहे हैं आज फिजिक्स पढ़ रहे हैं क्या केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं क्या जूलॉजी पढ़ रहे हैं क्या बॉटनी पढ़ रहे हैं क्या सोशल साइंस पढ़ रहे हैं क्या कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं क्या आज हम क्या पढ़ रहे हैं जीवन। दुनिया में सब कुछ सीखने के बाद भी जो सीखना शेष है वो है जीवन जीना जीवन जीना। मैनेजमेंट कर लिया पैसों का शानदार मैनेजमेंट वो सिखाने और वो बताने वाले सड़क पे भी मिल जाएंगे लेकिन जीवन का मैनेजमेंट करने वाले सड़क पे मिलने बड़े मुश्किल है सौभाग्य होता है तभी मिलते हैं। एक चीज अवेयरनेस दूसरा फील गुड फैक्टर तीसरा बी ग्रेटफुल। इस समय आप और हम जीवित हैं कि नहीं प्रश्न पूछा गया था कि नहीं जीवित है ना yes. दुनिया में कितने लोग होंगे जो इस समय मरने की कगार पे होंगे बैठे बैठे आप तुक्का भी मारें तो भी सही उत्तर चला जाएगा लगभग अंदाज से बताइए 10 लोग होंगे 100 1000 10,000 लाख चलिए लाख तक रुक जाते हैं इससे ज्यादा नहीं करते नहीं तो माहौल बिल्कुल गमगीन हो जाएगा सर मुंह लटका के बैठे। जो आपको महसूस करना है जो हमको महसूस करना है जो हम इंसान होके महसूस कर सकते हैं इस समय कोई ऐसा माहौल होगा कि सारे डीओजी साहब लोग बैठे हैं और सामने भी एक डीओजी साहब खड़े होकर उनको सिखा रहे हैं कुछ आओ जीवन प्रबंधन सीखा
सुबह सुबह मिलते होंगे आपको डी जी साहब, मिले कि नहीं? मिले कि नहीं? अरे होंगे, गली मोहल्ले में रहते हैं, मिले कि नहीं? कभी कभी टायर भी गीला कर देते हैं। और हम लोग तो कल इवनिंग वॉक कर रहे थे तो पूरा वो पथ को उन्होंने जो है शोभित कर दिया था, अलंकृत कर रखा था, पेड़ों में सिंचाई कर रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। डीओजी साहब लोग कहीं होंगे ऐसे बैठे, उनकी क्लास चल रही होगी क्या? इंसान है हम, सांसें चल रही है, जीवित है, सपने हैं, संसाधन है, परमिशन है, माहौल है, जितना कुछ है पहले उसके लिए खुश हो ले, फिर बाकी जो नहीं है उसके लिए दुखी हो जाएंगे, और सॉलिड दुखी होंगे। देखिए काम एक ही है, दुखी होना है तो ऐसे दुखी होइए कि दुनिया का ये देखो आदर्श इंसान, दुखी होना है तो इसके जैसा, ऐसा दुखी होने में क्या आनंद है, हमेशा मुंह लटका के। और ऐसा अक्सर जब होता है ना तो जीवन में भले ही कितने दर्द हो लेकिन इस दुनिया में क्या है ना, आप कल को इंटरव्यू, हम ना आपको प्रिपरेशन ये सब की बहुत यहाँ पे बात हो रही है, इंटरव्यू की भी होती है, लेकिन जो चीज आपको ना कहीं आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और एंट्री हुई ऐसी तो सामने वाला पहले कहेगा भैया इसको थोड़ा ग्लूकोज व्लूकोज दे दो, थोड़ा सा मतलब दोबारा लेके आइए, बहुत मतलब ऐसा लग रहा है। अब ये कोई सिखाएगा क्या? और नहीं आए तो सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? कि दुनिया में सबसे शानदार मेकअप एक है, चेहरे पे स्माइल ले लीजिए, फ्री का है, खुद से करना है, 32 से ज्यादा मसल्स रिलैक्स होती है, मेडुला ओब्लोंगाटा से कनेक्ट होती है, मेडुला ओब्लोंगाटा ब्रेन से कनेक्टेड है, ब्रेन को एक्टिवेशन मिलता है, न्यूरॉन्स को एक्टिवेशन मिलता है, और आपकी पूरी तैयारी में आपके शरीर के जिस्म का सबसे ज्यादा योगदान है वो क्या है? ब्रेन। यही जब ज्यादा चल जाता है, ज्यादा तैयारी हो जाती है तो हम तो कभी कभी कहते हैं कि मार्कर है क्या यहाँ पे, एक मार्कर दीजिए, कहीं से मार्कर लाए हूं। एक अगर मार्कर मिल जाए तो हम तो सिर्फ एक ही चीज चाहेंगे कि आप और हम अगर आज के दिन में कुछ सोचे और कुछ सीखे तो बस सारी चर्चाओं के बीच बीच में इसको याद रखें। समझ में आ गया ना क्या है ये? ब्रेन सभी के पास है, एक एक पर्सनल है ना, मतलब ठीक ठाक चल रहा होगा ना, ज्यादा ना, ठीक ठाक चलना चाहिए। अवेयरनेस पहली चीज, दूसरी चीज क्या थी? फील गुड। तीसरी चीज क्या है? ग्रेटफुलनेस, वी आर ग्रेटफुल, ग्रेटिट्यूड। और उसके आगे आगे की कुछ बात हुई क्या? चेहरे पे मुस्कान रखिए, कैसे भी करके खुश रहने की एक आदत रखिए, क्योंकि इससे अब मतलब कभी कभी क्या होता है ना, आजकल इंसान हर चीज में पीछे पड़ा हुआ है, तथ्य प्रमाण, आई ट्राइंग टू प्रूव दैट व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ स्माइलिंग। हम लोग एक जगह ट्रेनिंग में गए, वहां बहुत सारे लोग बैठे थे, बड़े उम्र में बड़े थे, और वहां हमने कहा तो हम लोग देखिए ये भी जानते हैं, जब हम लोग बोल रहे होते हैं ना सबसे पहले खुद ही सुन रहे होते हैं क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आजकल पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट हर किसी को देना है, ये तो वायरल हो जाएगा मामला। तो वहां पर क्या हुआ, हमने कहा कि मुस्कुरा लीजिए, लेकिन उससे पहले ये भी कहा था कि भाई वी ऑल हैव फ्रीडम ऑफ विल, फ्रीडम ऑफ विल मतलब स्वतंत्र चयन की सबके पास क्षमता है, फ्रीडम ऑफ विल है, करना है तो कीजिए, मत करना है तो मत कीजिए, करेगा सो आपला, नमायला ना बाबला, है ना जी कुछ ऐसा है, करेक्ट है कि करेगा से आपला, नमायला ना बाबला, मुस्कुराना है तो मुस्कुराइए और नहीं मुस्कुराना है तो मत मुस्कुराइए, जो करना है कीजिए, बस इंटरव्यू के समय मुंह लटका के जाइए, क्योंकि उस दिन उस पल आप जब मुस्कुराने की कोशिश करेंगे तो और आप अगर कभी कभी समय मिले, वैसे आप लोगों के पास समय का अभाव रहता है, टेड टॉक्स में एक टॉक में सुन रहा था, तो वहां पर एक इंसान विदेशी इंसान था, तो वैज्ञानिक के तरीके से वो इसी की डेफिनेशन दे रहा था कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्माइल, आप सब बता सकते हैं क्या डेफिनेशन स्माइल की, कोई डेफिनेशन क्या हो सकती है कि जब दोनों ये इधर खींचे हुए हों, क्योंकि हम लोग थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी काम करने की कोशिश करते हैं, तो फेशियल रिकॉग्निशन ये सब पे, जब दोनों होंठ इधर खींचे हुए हों, नहीं इतने भर से तो स्माइल नहीं हुआ, हुआ क्या? ऐसा होता तो आप सबको एक दे देते टैबलेट और नहीं तो दो दो यहाँ पे क्लिप लगा देते, हुआ क्या स्माइल? नहीं हुआ, नेचुरल है सबका अपना है, एक बार सब स्माइल कर लीजिए, स्माइल लाफिंग बाद में कराएंगे, अभी स्माइलिंग कीजिए, और एक बार एक दूसरे का चेहरा देख लीजिए, आसपास वाला स्माइलिंग है कि नहीं, क्योंकि अगर आप
स्माइलिंग है, आस पास वाला स्माइलिंग नहीं है, तो थोड़ी देर में आपकी स्माइलिंग भी आईएनजी हट जाएगा उसमें से, आ है नहीं है हट जाएगा सर, फिर वो पास्ट टेंस में चला जाएगा। स्माइल होता है, स्माइल स्माइल होता है क्या स्माइल का? अच्छा जो भी होता होगा बहुत अच्छी बात है, बात समझ में आ गई ना। पढ़िए तो मुस्कुरा के, खाइए तो मुस्कुरा के, सोइए तो मुस्कुरा के, रोइए तो मुस्कुरा के। हम लोग की कक्षाओं में कभी कभी क्या होता है, जैसे मास्टर साहब पढ़ा रहे, ये सब कक्षाओं में होता है, ऐसा नहीं होने पर होता है, पीछे जो है कई टैलेंटेड बच्चे पढ़ते पढ़े लो, बताओ क्या होता है। फ्रीडम ऑफ विल है लेकिन देश काल और परिस्थिति के हिसाब से, और ऐसे में क्या हो जाता है कि हम उसकी मार रहे हैं। तो हम जैसे मास्टर जो है, जब एग्जाम होता है जिस दिन वो पेपर लिख रहा होता है चेहरा लटका के, उस दिन हम कहते हैं क्योंकि उस दिन 3 घंटे अपने को क्या करना है, मुस्कुराना है, लेकिन चूंकि विद्यार्थी है भाई अपना, तो दिल का टुकड़ा है वो, तो उसको एक ही चीज कहते हैं बेटा थोड़ा वैसे ही थोड़ा सा, उसको लगता है टोंट मारा, लेकिन टोंट नहीं मार रहे होते। हम तो उसे कह रहे होते मुस्कुरा, बताइए इसके पीछे का साइंस क्या होगा, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दिस। भैया दिमाग के किसी खोपचे में, डेटा वेयर हाउस में कहीं वो डेटा रखा हुआ है जो उस प्रश्न का उत्तर है बेटा, और उसको निकालने के लिए, उस डेटा को वहां से लाने के लिए तुम्हारे चेहरे की एक स्माइल एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए। पता चला जब बाहर से जो आते हैं ना वो पुर्जी उल्टी कहीं नहीं है ये बहुत मुस्कुरा रहा है, देखो ये कहीं कुछ रड़ा तो नहीं है, कुछ निकला। तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से कल को आप भी एग्जाम देंगे कि नहीं देंगे, देंगे कि नहीं देंगे, देंगे नहीं देंगे, तो देंगे तो उस एग्जाम को देते समय आपको छोटी छोटी, इंसान को ना पड़ोसी की फिक्र होती है सबसे पहले बात, ऐसे अनजान एग्जामिनेशन सेंटर में जाता है ना तो पहले सबके चेहरे देख रहा होता है, सबसे पहले अपने साथी का चेहरा देखता है जिसके साथ बड़े दिनों से प्रिपरेशन कर रहा है, कि एग्जाम वाले दिन वो दुखी है कि वो खुश है, और अगर वो खुश है तो हम दुखी हैं। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे परीक्षा के दौरान कि वो क्या करते थे कि पढ़े लिखे कुछ नहीं है, हमें आज भी फिजिक्स का वो सुरेंद्र इक्वेशन करके कुछ याद है जो एनसीईआरटी बुक के डब्बे में अलग से रहता था फॉर स्पेशल रीडिंग। तो हमारे कुछ साथी, हम नवोदय सिस्टम से पढ़े हैं, तो कुछ साथी जो बहुत ज्यादा पढ़ लेते थे, और कुछ थे जो पढ़ते ही नहीं थे, बस वो कॉन्फिडेंस में सुरेंद्र इक्वेशन पढ़ के आए, नाम बस, नाश्ते की लाइन लगी हुई, सभी लोग प्लेट में खड़े नाश्ता ले रहे हैं, और इतने में जो है पीछे वाले ने आगे वाले से कहा पढ़ लिया तैयारी हो गई, वो सोलिंजर इक्वेशन पढ़ा गया अच्छा ऐसा करेंगे, ये प्लेट पकड़ लीजिए मैं आता हूँ वो कहाँ गया अभी, सोलिंजर इक्वेशन पढ़ना, जितना पढ़ा हुआ है उस पे कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने पे भरोसा नहीं है। भैया पढ़ लिख लिया, लिफाफा बंद कर, थोड़ी देर अब लिफाफे को रहने दे, यहाँ से पोस्ट होने दे, पोस्ट के बाद वहां निकालेंगे, अंतिम समय तक जब तक है जहां लगे रहना है, और उससे क्या होगा, चीजों को सेटल होने का टाइम मिलता नहीं, वो और खिचड़ी बन जाती है। चेहरे पे मुस्कान रखिए, पढ़िए तो मुस्कुरा के, और जीवन का सबसे शानदार ध्यान यही है, और जीवन का सबसे शानदार ज्ञान यही है, इस पूरे सेशन के बाद सिर्फ ये चीज याद रखिए। अब कहेगा कौन सी नई बात बता दी तुमने, ये देखो बोल रहे थे बड़ी बड़ी बातें होगी, आके आदमी चला गया बोल दिया मुस्कुराते रहो, अरे कुछ नहीं तो हमें तो याद है हमारे पंखों पे चिपका रहता था गुरुदेव का वाक्य, मुस्कुराते रहो, तो लेटते भी थे तो पंखा घूम रहा है, मुस्कुराते रहो, ले तेरे को देख के मुस्कुरा लेते हैं, फिर गेट पे गए वहां लिखा है मुस्कुराते रहो, फिर जहां शीशा लगा वहां लिखा है मुस्कुराते रहो। तो यदि आप लोग के पास ऐसी क्षमता हो, ऐसा फ्रीडम हो, तो खुद से खुद को याद दिलाते रहो, खुद से खुद को याद दिलाते रहो, और एक दूसरे को भी याद दिलाते रहो, किसी के मजे लेने के लिए मत उसकी मत। अच्छा हुआ लटक गया, और इसका हमने समाधान भी आपको बताया, उपाय भी आपको बताया, कल खेल में हम हो ना हो लेकिन गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। आप क्या करें कि अपनी जगह पर विचार क्रांति कर लें, लिख के लगा लें, कहीं लिख के लगा लें, मोबाइल पे रिमाइंडर लगा लें, टू डूज में लिख लें, दिन में सुबह और शाम को 2 बार मुस्कुराना तो दिन भर है, 2 बार खिलखिला के हंसना है, कैसे हंसना है जरा हंस के बताइए, अभी देखिए हंसने में भी कंजूसी करेंगे, ये दरवाजा बंद कर दीजिए अगर ज्यादा दिक्कत ना हो कोई बात, ऐसा तो नहीं किया
बिल्डिंग हिलेगी ऐसा रेडी रेडी 1 2 3 स्टार्ट हाथ उठा के और अच्छे से देखिए अब आपको देखिए जिंदगी का आ आई तो आपने सीख लिया जिंदगी का कनाडा सीख लिया ये वाला आप सीखे हाथ उठाइए बोलिए आ आ ई ई हा हा ही ही आ आ ई ई हा हा ही ही ऐसे वाला ज्यादा पसंद है क्या नहीं खुश होंगे आप बताइए परेशानी में कोई कमी तो नहीं है देखिए यही जीवन है और जीवन सिर्फ इतना नहीं है कि आपके जो भाई ने मनीष भाई ने शुरू में ही बात कही पूरा जीवन सिविल यहाँ ना सपने तैर रहे होते हैं इस पूरी जगह पे सपने और उन सपनों के साथ फिर अनचाहा अनजाना तनाव खैर उस पे आएंगे लेकिन थोड़ा पोस्चर सही कीजिए बैठने का एर्गोनॉमिक्स के बारे में कोई जानता है इकोनॉमिक्स के बारे में जानते होंगे एर्गोनॉमिक एक विधा होती है कोई एर्गोनॉमिक के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं बेसिकली जैसे कहा जाता है ना कंप्यूटर पे जब बैठ के काम कर रहे थे तो उस समय छोटी छोटी गलतियां लंबी लंबी बीमारियां देती जिंदगी भर की सारी कमाई का फिक्स डिपोजिट म्यूचुअल फंड में जितना लगा रखा हमने उसका सबका निकलने का व्यवस्था बनाती है वो क्या है छोटी छोटी गलतियां क्या पढ़ते समय हमें विष्णु जी वाली पोज में पढ़ने की आदत तो लक्ष्मी जी के साथ में बैठे या लक्ष्मी जी और विष्णु जी के बैठे दोनों के लिए विष्णु जी की तरह बैठे हैं लक्ष्मी जी वाली बैठे या हम स्वयं लक्ष्मी जी हैं विष्णु जी वाले बैठे अब आदत है ऐसे किसी दिन अगर आपको आपके हाड़ मांस के शरीर के अंदर डाल दिया जाए ना तो आपको पता लगा सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो यहाँ होता है कमबख्त वो शरीर ध्यान कभी कभी इसका कीजिए कल्पना करके देखिए जब आप मतलब ऐसे पढ़ाई होती है कि नहीं कभी कभी मतलब शैया पे जो है अभी हमारे आशीष भाई बड़ी अच्छी बात याद दिला रहे थे आशीष भाई कौन सी बात आप कहते ग्रेविटेशन वाले भाई कॉर्डलेस उधर भी दीजिए बीच बीच में चलता रहेगा एक बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य एग्जाम में पूछा जा सकता है इनसे प्रश्न पूछा था ग्रेविटेशन फोर्स कब सबसे अधिक होता है साइंस का क्वेश्चन कब सबसे ज्यादा होता है टाइम पूछ रहा हूँ किस टाइम सबसे ज्यादा होता भी बताई भाई आप क्यों बहुत सही है ये विज्ञान वाला नहीं मैं जो पूछना चाह रहा था वही उन्होंने बताया ग्रेविटेशन फोर्स कब सबसे ज्यादा होता है क्योंकि बिस्तर से उठा ही नहीं जाता और वो बिल्कुल वही फिर कभी कभी उठे उठे तो याद रखिएगा अलग अलग शैया ये तो फोन की भी बात करने की विधि यही है ना वैसे तो मतलब जी 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 हाँ कुछ बोले कोई कई तरह की है लेकिन इसमें क्या है पोस्चर पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कोई कभी कभी क्या सोचता है नहीं अभी हम तैयारी कर रहे हैं भैया तैयारी कर रहे हैं फिर भी सांस तो चल रही है ना जीवन तो जी रहे हैं ना वो तैयारी के 3 साल जी तोड़ तैयारी कीजिए शरीर पे अत्याचार कीजिए तो 3 साल की भरपाई पूरे 60 साल में भी कर पाएंगे क्या मैं एक बड़ी दर्दनाक कहानी आपको बता रहा हूँ मेरे अपने आसपास के रिश्तेदार की है और मैं ये कहानी आप सबको इसलिए बता रहा हूँ मैं चाहता हूँ आप सबका कल्याण हो ऐसा ना हो हमारा एक अपना ही दूर का रिश्तेदार पटना में गया तैयारी करने और तैयारी करते करते 12वीं पास किया था IIT के लिए तैयारी कर रहा था तैयारी करते करते हमसे जब भी मिलता था तो हम लोग वही खत्म सी बातें उसको बताते थे बेटा अपना ध्यान रखना रूटीन का ध्यान रखना खाने पीने का ध्यान रखना तो वो ध्यान रखते रखते दोस्त मिल गए अच्छे तो घर वाले ध्यान जितना रखते हैं हम जितना ध्यान रख रहे थे उससे ज्यादा उसका ध्यान कौन रखने लगे पटना घुमाए तब तक घर का खा रहा था अब घर कम जाने लगा क्योंकि घर के खाने में वो स्वाद कहाँ जो बाहर के खाने में दोस्तों ने किसी दिन घुमाया किसी ठेले के पास कुछ खिलाया और वहीं पर एक मच्छर उड़ता हुआ आया और उसने भी थोड़ा सा उसको प्यार से आशीर्वाद दिया लाखों का पैसा और वो मच्छर कौन सा था पता है आपको डेंगू वाले जो उसका परिचय असली वाला होता है
वो भाई हमारा अपने 1.5-2 साल गवा के घर में बैठा है, पूरी हाथ की सर्जरी वर्जरी हो गई, न जाने क्या क्या हो गया, कैसे कैसा हो गया, और वो अब वो घर में ही है, अभी उसका मन ही नहीं बन पा रहा है कि आगे क्या करें। सिस्टम शब्द सुना है आपने? सिस्टम, सिस्टम इसको बेसिकली जब भी हम बात करते हैं तो ऐसे कहते हैं कि इट इज काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट बट इंटररिलेटेड। सिस्टम इज अ कंडक्शन ऑफ वेरियस इंडिपेंडेंट बट इंटररिलेटेड एलिमेंट्स। एक मच्छर ने उसके जिंदगी में उसके करियर को तबाह कर दिया, उस मच्छर तक ले जाने का। अब कोई ये तो नहीं कह सकता कि दोस्ती लेके गए थे, मच्छर ने उसी ठेले के पास काटा होगा, लेकिन फिर भी मतलब जीवनचर्या में कहीं कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण ये चीज हुई और आज गाड़ी डीरेल है। ऐसे कामों में हम जब कभी कभी गायत्री मंत्र जपते हैं, कभी कभी ऊपर वाले को ध्यान करते हैं, तो किस लिए करते हैं? कि भाई विषय को तो अच्छा हम समझ सकते हैं, वैसे उसको भी समझने में आप मदद करोगे, लेकिन मच्छर अच्छे से बचा के रखना, थोड़ी सी मदद आप करें, लेकिन उसमें भी वो मदद कब तक करेंगे? जब तक हम स्वयं की मदद करने को तैयार हैं। एक बार कमर सीधी करिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है, जितने भी ये कीका पता नहीं कौन कौन से चैलेंज होते हैं ना, आइस बकेट चैलेंज, और वो क्या बीच में चल रहा था, वो ऐसे ऐसे करके गाड़ी के किनारे जो जाते रहते थे, कीका ही था ना। हम तो कभी कभी कहते हैं कमर सीधी करो चैलेंज सोशल मीडिया पर ट्रेंड करना चाहिए। दुनिया की न जाने कितनी बीमारियां यहीं से जुड़ी हुई, और बचपन से हम ये जानते हैं कि नहीं जानते, कमर सीधी करने के नुकसान कितने हैं? बहुत सारे। कमर सीधी करने के फायदे हैं कि नुकसान है? फायदे हैं। जानते हैं? जानते हैं। मानते हैं? मानते हैं। करते हैं? ईमानदारी से आपने माना, इसके लिए एक बार दाया हाथ ऊपर उठाइए, जरा दाया हाथ ऊपर उठाइए, सभी बोलिए शाबाश शाबाश शाबाश, हाथ ऊपर उठाइए, रेडी 1 2 3 स्टार्ट, हाथ ऊपर उठाइए 1 2 3 स्टार्ट। देखिए अभी 30 मिनट बीत चुके हैं और इसमें कम से कम 10-20 चीजें ऐसी आप जान चुके हैं। ये शाबाश 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 खुद से खुद को शाबाशी देने का अच्छा काम है कि नहीं? भैया आपने कुछ अच्छा किया, किसी ने शाबाशी दी नहीं दी, आप खुद से खुद को दे सकते हैं शाबाशी? दे सकते कि नहीं दे सकते? तो इसको कहीं लिख लीजिएगा दिमाग में कि जब मौका लगे खुद से खुद को शाबाशी दे लो, जब मौका लगे मुस्कुरा लो, जब मौका लगे कमर सीधी कर लो, जब मौका लगे एर्गोनॉमिक पोस्चर्स गूगल करके देख लीजिएगा, व्हाट इज द एर्गोनॉमिक वे ऑफ सिटिंग, सिंपल सा स्थिरम सुखम आसन। अब किसी के लिए कमर सीधा करना भी दुखम आसन हो जाता है, क्यों? क्योंकि लंबा अभ्यास नहीं है ना उसका। तो आप ये मान के चलिए कि अभी इस एज से जो थोड़ी चीजें गड़बड़ाती है ना, हम तैयारी कर रहे थे, अब हम तैयारी से नीचे पैर ऊपर करके कर रहे थे, किताब नीचे रखी हुई थी पैर ऊपर गया हुआ था, लेकिन उसके कारण जो दिक्कतें होंगी वो भविष्य में आपका साथ देगी कि नहीं? आप ऐसे IAS बने, बैठ नहीं पा रहे, कमर में दर्द है, अच्छा ये मीटिंग कल कर लेंगे, जाओ साहब ये कहां से हो गया? बहुत तैयारी किए थे हम भाई, बहुत ज्यादा तैयारी किए थे, ये मजाक मजाक में जिंदगी मजाक हो जाती है। जिसको ये समस्याएं हो कभी उसके पास बैठिए, ये जो सर्वाइकल रीजन है आपका, ये अगर गड़बड़ा रहा है तो थोड़ा थोड़ा ध्यान उसका भी रखिए। और एक मंत्र जो आपको हम निवेदन कर रहे हैं वो है, ध्यान रखिए, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। वेदों में कहा जाता है धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, कुछ भी पाना हो कुछ भी चाहना हो, एक बात बताइए हमारा शरीर नहीं होता हमें आपको प्रवचन दे रहे होते, आपका शरीर नहीं होता आप कहते हैं IAS की तैयारी करेंगे, हो सकता है क्या ऐसा? और कहीं इन सीटों में ऐसे ही लोग बैठे हुए हो तो वो कहेंगे अरे हमारा भी तो शरीर नहीं, हम भी तो तैयारी कर रहे हैं, देखो मनीष भैया के माइक पर बैठे हुए या वहां बैठे हुए या उधर भी 2-3 सीटों में बैठे हुए, हो सकता है क्या ऐसा? शरीर नहीं है हम भी तैयारी कर रहे हैं, शरीर नहीं है हम किसी की बारात में नाच रहे हैं, कभी कभी शरीर नहीं है ग्लास उठा दिए अगर तो, बाकी फिल्मों में देखा ही होगा आपने, बिना शरीर का आदमी अगर गिलास उठा के आपको लाके दे तो आपको क्या होगा फिर? कुछ कुछ तो ही जाए। शरीर है, शरीर ही माध्यम है। आप ये मान के चलिए कि ये शरीर नहीं रहेगा जिस दिन, उस दिन क्या कर पाएंगे हम? और हमने जितनी इज्जत, एक प्रश्न आपसे पूछेंगे, वह बताइए सबसे ज्यादा इज्जत और सबसे ज्यादा ख्याल किसका रखा जाता है? अपनी बाइक का, अपने गैजेट्स का, अपने स्मार्टफोन का, अपने शरीर का? थोड़ा इसको रैंकिंग में जमाइए, अरे अपने जीवन के हिसाब से थोड़ा रैंकिंग में जमाइए, सबसे ज्यादा ख्याल, सबसे ज्यादा फिकर किसकी है? शरीर की। अभी आत्मा और मन पे तो हम गए नहीं, वो तो बेचारे गुमशुदा हो चुके हैं। हम तो कहते हैं इस प्रत्यक्षवादी समाज में यहाँ सब चीजें प्रत्यक्षता देखने का आदमी का मन करता है, प्रूफ करो, तर्क बताओ, तब हम करेंगे। किसी से पूछिए गाली देने का कौन सा तर्क लगा था, कहाँ कौन से लैब में टेस्ट हुआ है,
कि फलाना कैथल जलजल को इस प्रकार से मिला करके अगर गाली बना के प्रस्तुत की जाए तो इससे सामने वाले के स्वास्थ्य में बहुत सिग्निफिकेंट 0.01 लेवल पे सिग्निफिकेंट प्रभाव चेंज आता है। ऐसा किसी लैब में प्रूफ हुआ है क्या? ये वैसे शोध चल रही होगी। अब जैसे मनीष भैया ने भी वो पॉइंट पे ईमेल पे एक इंसान याद आया, हम लोग इधर रहे थे इंटर्नशिप पे, तो एक भाई साहब थे पायलट साहब, सुबह सुबह हनुमान जी का ध्यान करते थे, उसके बाद एक दिन उनको हमने देखा कि गाड़ी के पीछे से धुआं आ रहा है। हमने कहा इतना धुआं तो गाड़ी नहीं छोड़ सकती। हमने कहा भाई साहब आप हनुमान जी ये क्या है? तो इधर आइए, वेदों में लिखा हुआ है, एक बात हमसे सुनिए। हमने कहा क्या लिखा हुआ है? वेदों में लिखा हुआ है भोर भई बीड़ी सुलगाई, और भाई बीड़ी सुलगाई, इसका धुआं स्वर्ग तक जाई, और धुआं देख प्रभु भय मुस्काने, कोई भक्त यज्ञ है ठाने, कोई भक्त यज्ञ है ठाने। मैंने महसूस किया कि जो हमारे देश धर्म संस्कृति की हालत हुई है, ऐसे ऐसे इंसान वो वेद का रेफरेंस बता रहे हैं हमको। मैंने कहा कबूतर समझे हो क्या? हम भी पढ़े हुए हैं थोड़ा बहुत, तुमने ऐसे बदला नहीं सकते। ट्रैक सूट में देख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब ड्रेस पे जा रहे हो तुम, धोती वाला दिखेगा तभी समझोगे वेद पढ़ा हुआ है। हमने उनको कहा भाई साहब नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। अब ये बात बताइए, ये शरीर जो है, शरीर की कीमत कितनी है बताइए? एक बार एक दुखी इंसान, एक बार एक दुखी इंसान, बहुत दुखी, ऊपर वाले तुमने मेरे को दिया है क्या, दिया है क्या तूने मेरे को, सब बर्बाद कर रखा है, कुछ तो दिया नहीं, सब पड़ोसी को दे दिया। तो ऊपर वाला रूप बदल करके आया उसके पास, ऊपर वाले ने बस यही बोला, क्या बोला? ऐसा कर एक आंख दे दे अपनी, तेरे को 50,000 रुपए दे दूंगा। पागल आदमी है, अच्छा नेगोशिएशन में दिक्कत हो रही है, थोड़ा प्राइस बढ़ाओ, तो 60 ले ले यार, एक आंख तो दे दे, एक ही आंख तो मांग रहा हूँ, एक से काम चला लेना, इतना तो समझ होगी तेरे में, एक से चल जाएगा काम। कहता ऐसा कर किडनी तेरे पास दो है ना, एक दे दे, तेरे को 1,00,000 रुपए दे दूंगा। कहेगा 1,00,000 नहीं, तेरे को मैं 1,00,000 दूंगा, तू भाग जाएगा। तो कहे भाई देखो आप तो बुरा मान गए भाई साहब, मतलब कुछ बड़ा चढ़ा के ले लो, आप ऐसा करो एक हाथ ही दे दो अपना, एक हाथ दे दो, मैं आपको 2-3 लाख रुपए दे दूंगा, और बताओ और क्या लोगे, तो मतलब पैकेज बना देता हूँ अच्छा सा। उसको दौड़ा रहा है, दौड़ा रहा है, दौड़ते जब थका के रुक गया ना ऐसे, तो उसने कहा अरे मूर्ख, तू सिर्फ अपने हाथ की आंख की और किडनी की कीमत जोड़ के देख ले कि कितना सारा तेरे पास पैसा है। हम में से हर आदमी अरबपति है कि नहीं है? फील गुड अबाउट इट? अरे अरबपति तो हम अभी से हैं कि नहीं है? गलत है तो बताइए। हमारे आशीष भाई एक प्रेजेंटेशन दे रहे थे, मुझे अभी भी याद है, उसमें वो बता रहे थे कि भाई ओरिजिनल है, ओरिजिनल को ओरिजिनल से रिप्लेस करने की कीमत देनी पड़ती है, सॉलिड देनी पड़ती है कि नहीं देनी पड़ती, और इस ओरिजिनल को डुप्लीकेट से जब रिप्लेस करते हैं उसकी भी कीमत देते हैं, लेकिन ओरिजिनल की जगह डुप्लीकेट ले सकता है? और क्या मानव जीवन इसीलिए मिला है क्या? किसी के जीवन में कष्ट है, कठिनाई है, तो उसको देख के हम महसूस करें। जब स्टेशन पे हम आ रहे थे, हमने देखा एक इंसान दिव्यांग जिसको आंखों से दिख नहीं रहा, प्रज्ञा चक्षु है, वो चले जा रहा है, उस पल महसूस कीजिए आपको भगवान ने आंखें दी। सिर्फ एक अंग भी अगर थोड़ा भी इधर उधर होता है फिजिकली, एक बार बताइए नाक जो बाहर से लगी है इसकी ज्यादा कीमत है, इसके अंदर जो चमड़ा उसकी ज्यादा कीमत है? इसके अंदर की जो प्रोसेसेस हो रही है उसको रिप्लेस करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काइंड ऑफ थिंग, जो हर चीज में इंसान प्रयोग कर रहा है खरबों लगाकर, खरबों लगाकर। अब हम कहें नहीं साहब हम तो सिविल की तैयारी कर रहे हैं, हर चीज का उत्तर अगर सिविल की तैयारी है तो सांस लेंगे कि नहीं लेंगे? भाई सिविल की तैयारी कर रहे हैं लेकिन सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? वैसे एक बार बताइए आखिरी बार कब याद किया था कि सांस ले रहे हैं? सच से बताइए, अभी याद रहा होगा नाश्ता उस समय किया था, अभी ये याद होगा कि भोजन उस समय होगा, अभी ये याद होगा कि बीच में कुछ अगर अलग से भी लेना है तो उस समय लेना है, या रह रहा है। सांस आखिरी बार कब ली थी? यह सांस लेना है प्रयास पूर्वक, कमर सीधी कर दीजिए, आंखें बंद, 60 सेकेंड का आत्मचिंतन, 60 seconds, self introspection, सांस कब ली थी या कब लेने का प्लान? इसके बिना सिविल की तैयारी हो जाएगी क्या?
सामान्य अवस्था में आ जाइए, आंखें खोल लीजिए। जिस विषय के आसपास हम दौड़ रहे हैं ना, हमने थोड़ा सा आपको स्थिरम सुखम आसन की बात की, पोस्चर पे ध्यान रखने की बात की, स्माइल की बात की, स्माइल का कनेक्शन ब्रेन से, ये आपको बताया। और हर कहानी को घुमा के आपके ब्रेन पे हम इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि इस पूरी सिविल की तैयारी में शरीर किसी का कुछ भी हो लेकिन ब्रेन जितना शानदार रहता है, एग्जाम्पल आपके सामने है ना सिविल के इतिहास में, है कि नहीं है? और उसके अलावा दुनिया के इतिहास में भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, स्टीफन हॉकिंग्स को सब जान रहे हैं। यहाँ इंसान के दोनों हाथ पैर शरीर चल रहा है फिर भी वो दुखी है, कमबख्त परेशान मारा, मतलब उसको लगता है कुछ है ही नहीं जीवन में। और वहां पर एक इंसान है जिसके पास क्या है क्या नहीं है उसकी उसको फिक्र नहीं है, उसको इस चीज की खुशी है कि दिमाग है, चल रहा है, उसने एहसास किया कि नहीं किया, लेकिन उसने कहा इसका बेहतर इस्तेमाल करना है, जो करना है बेहतर करना है। हम सब कर सकते हैं कि नहीं ऐसा? अच्छा, वैसे सांस पे ध्यान देना आप लोगों को जरूरी है कि आप लोग एग्जेम्प्टेड हैं इससे, जैसे होता है ना टैक्स देना, जीएसटी देना, ऐसे लोग एग्जेम्प्टेड भी होते हैं। तो आप लोग क्या सांस पे ध्यान देने से एग्जेम्प्टेड पीपल्स हैं क्या? है क्या? अच्छा एक बात बताइए, आपको खाने में क्या पसंद आता है? कुछ भी आ सकता है, दाल चावल रोटी सब्जी पनीर भुर्जी और क्या बोलते हैं पनीर बटर मसाला चाउमीन मैगी और बर्गर और पिज्जा और पाव भाजी और कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको सेल्स को क्या चाहिए? बर्गर? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या चाहिए? आप बर्गर खिला दे यार। आपके शरीर को चलाने में जो मूल तत्व है वो बेसिकली अगर और चले जाए तो फिर एटम तक चले जाएंगे, फिर वहां फिर हम क्वांटम फिजिक्स शुरू कर देंगे, लेकिन सेल्स तक चले जाएंगे। और अब आप कहेंगे अरे हमारे सिविल की तैयारी का विषय बायोलॉजी थोड़ी ना है, आप वचन दे रहे हैं बायोलॉजी पे। हम कह रहे हैं सिविल की तैयारी छोड़िए, जीवन रहेगा तो सिविल रहेगा, और जीवन का जो मूल तत्व है उसको अगर हम लोग मिस किए बैठे हैं, और सब चीजें डॉक्टर के हवाले, पैसा किसके लिए कमा रहा है बताइए? अरे ध्यान से सोचिए, कभी कभी पैसा हम डॉक्टर के लिए कमा रहे होते हैं क्योंकि अपने लिए तो जी नहीं रहे होते। उसी तरह की कहानी है जैसा एक वो इंसान था आशीष भाई, सुबह सुबह घर से निकला और उसको किसी ने बता दिया यहाँ पे एक प्रतियोगिता हो रही है, अभी से लेके दौड़ दे जाओ शाम तक सूर्य सूर्यास्त तक, जहां तक दौड़ोगे जो जमीन तुमको मिलेगी वो जमीन भोजन कर लू क्या, साइड वालों ने भी कहा भोजन कर ले, मतलब कैसे भोजन भी छोड़ दिया, अंत में गए पानी तो पीला रहे, पानी पीने में भी कहीं एक सेकंड ऐसे रुक गया, किसी ने ज्यादा जमीन ले ली तो चलते रहो पानी भी छोड़ो, चलो चलो चलो, फिर कहे यार पानी अब भारी लग रहा है इसको भी छोड़ दो। अब कहे कितना सूर्यास्त में टाइम? कहे भाई साहब 5 मिनट टाइम। अरे भाई साहब अब तो रुक जाओ, बहुत चल लिए, थक भी गए हो, पानी भी नहीं पिया, नाश्ता भी नहीं किया, खाना भी नहीं खाया, क्या करोगे? कहता नहीं, जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। कहां गया? हाथ से गिरा, कम से कम ब्रेकफास्ट करके जाता, लंच करके जाता। अब वो कहां घूमेगा? अब वो अपना स्थूल शरीर तो छोड़ चुका है, सूक्ष्म शरीर में उसी जमीन के आसपास नाश्ता ढूंढेगा, पानी ढूंढेगा, लंच ढूंढेगा और लोगों का नाश्ता करेगा, अंत में वही मिली जितने शरीर की हाइट थी, लंबाई चौड़ाई के हिसाब से वही पे सेट हो गया वो। कहानी हम सब की भी ना यही है लगभग। हम सब क्या है कई बार जीवित होते हुए भी जीवन को ना नेग्लेक्ट करते हैं और हम इंतजार करते हैं। मैं खुद की कहानी बताता हूँ, मेरे दांत बहुत दर्द करते हैं कभी कभी, मेरे को डेंटिस्ट बुला रहा है आओ आओ आओ, लेकिन अपने को लगता है छोड़ो यार अभी सब सही चल रहा है, चलो अभी बाहर चलते हैं, इधर चलते हैं, चलते हैं। लेकिन जिस दिन दांत ने एक बार थोड़ा सा किया उस दिन फिर मैं कहां मिलूंगा? डेंटिस्ट के पास ही मिलूंगा बिना किसी के कहे। तो जीवन में यही है, ये जीवन जब तक सही चल रहा है चल रहा है, लेकिन जिस पल ये थोड़ा भी दाएं बाएं होगा उस पल सारी दुनिया एक तरफ फैल जाती है, फिर समझ में आता है दोस्त कौन, फिर समझ में आता है किस लिए दौड़ रहे थे। और उस ठहराव के समय में कभी कभी आपको समय मिले तो मैं आपसे एक निवेदन जरूर करूंगा कि आप सबने कभी गूगल करके जो डेथ बेड पे पड़े लोग रहे उनके लेटर्स पढ़िए। कुछ दिन पहले विदेश से एक लड़की का लेटर आया था, उसने यही कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सब दिन तो आते ही जाएंगे, आज का दिन आया है फिर कल का आएगा फिर परसों का आएगा, मतलब द डेज विल कीप ऑन कमिंग, बट मुझे ये नहीं पता था कि एक दिन ये दिन अचानक से रुक जाएंगे, अचानक से खत्म हो जाएंगे, और उस दिन उस पर मुझे महसूस होगा कि मेरी जिंदगी में इम्पोर्टेंट क्या है। तो आपकी जिंदगी में इम्पोर्टेंट क्या है? जिंदगी है कि नहीं है? है कि नहीं है? है कि नहीं है? चलिए एक बार कमर सीधी कीजिए सभी, अगर है तो ये बार बार पोस्चर पे ध्यान रखिएगा, तो
जब आप पढ़ेंगे तो आगे चल के दिक्कत आएगी। योग में बड़े बड़े योग आपको बता देंगे, लेकिन अगर ये छूट जाएगा तो आप हर समय ऐसे करेंगे, हाथ ऊपर कीजिए सभी, ऐसे कीजिए, ताड़ासन करते भी होंगे सभी, थोड़ा दिखिएगा दाएं बाएं किसी का मुख पे लताड़ासन ना हो जाए। ऊपर खींचिए, हाँ रेडी, लेफ्ट साइड, श्वास छोड़ते हुए, आपका लेफ्ट, मेरा लेफ्ट नहीं, राइट साइड, नहीं बीच में आइए पहले, अब राइट साइड जाइए, फिर श्वास लेते हुए बीच में आइए, बाई तरफ श्वास लेते हुए बीच में आइए, दाई तरफ श्वास छोड़ते हुए जाइए, बीच में आइए, अब हाथ नीचे कीजिए एक बार। ये क्या है? ताड़ासन, अर्ध ताड़ासन इसको बोल लीजिए, बैठे बिठाए कर सकते हैं, कर सकते ही नहीं कर सकते, इसके बस थोड़े थोड़े नुकसान है कि इसको करने से क्या होता है, जैसे सुबह सुबह उठिए तो सुबह सुबह उठते ही एक काम कीजिए, एक फार्मूला आपको बता रहे हैं, क्या फार्मूला है बोलिए, TTK, क्या फार्मूला है? TTK, जानते हैं फार्मूला? नहीं जानते, फिजिक्स केमिस्ट्री मैं जीवन बचा रहेगा, यहाँ पर TTK में जब गड़बड़ाते हैं तो यहाँ पास फेल नहीं, जीवन पे सीधे आता है। सुबह उठते ही सबसे पहला काम कीजिए क्या? उषापान कीजिए। क्या कीजिए? करते होंगे आप लोग, निशापान करते हैं कि नहीं? कई लोग निशापान कर लेते तो बोलते हैं उषापान की क्या जरूरत है, निशापान उनकी सुबह जब होती है तो हाँ भाई सब ठीक है। सुबह उठते ही हाइड्रोथेरेपी कीजिए, क्या करिए? हाइड्रोथेरेपी। हाइड्रोथेरेपी जो है ना, हमारी भारतीय उषापान की परंपरा भारत से होते हुए जापान गई, कहाँ गई? और जापान से जब वापस आई तो वो उषापान क्या बन गया? हाइड्रोथेरेपी। और हाइड्रोथेरेपी को लोगों ने एक्सेप्ट किया, यस आई डू एक्सेप्ट, दिस इज अ वेरी वंडरफुल थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी। जानते सभी हैं सुबह उठते ही जो सबसे पहली चीज करनी चाहिए हमें, मतलब कई और चीजें भी होती हैं जिसको और तरीके से हम लोग देखेंगे, लेकिन करने लायक अगर कुछ है मजेदार, सुबह उठ के पानी जरूर पीजिए। पिएंगे कि नहीं पिएंगे? अगर नहीं पिएंगे तो IAS भी बन जाएंगे, तो भी जो है पेट पकड़ के ही बैठे रहेंगे, डिसीजन उस दिन के पूरे प्रभावित होंगे, बड़ा स्ट्रेस बना हुआ है, टेंशन बना हुआ है, क्यों? सुबह सुबह कुछ कुछ हो नहीं पाया ठीक से उस दिन, मतलब आपका ऑफिस वाला स्टाफ भी कहेगा कि साहब का लगता है क्लियर नहीं हुआ है। हाइड्रोथेरेपी, उषापान सुबह उठते ही कीजिए। सबसे अच्छा तरीका, एक तो उखड़ू बैठ के करते हैं ऐसे, है ना, उखड़ू अगर बैठ गए तो बैलेंसिंग भी हो गई, और आपका हर बैलेंसिंग पोस्चर आपके ब्रेन को एक्टिवेट करता ही करता है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता ही करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम फ्लो आपकी रीढ़ की हड्डी से ही करता है, रीढ़ की हड्डी के साथ साथ आपको एक पूरी तरीके से रिवाइटलाइज करता है। सुबह सुबह पानी पीना, मतलब आपको क्या ये पता है कि आपके ब्रेन का 80% पार्ट वाटर है, पता ही नहीं पता? और वो ब्रेन कैसा है? बटर टाइप है। कैसा है? बटर टाइप। क्या आपको ये पता है फैक्ट कि आपके ओवरऑल शरीर में जो वेट के हिसाब से, मास के हिसाब से देखा जाए तो ब्रेन का एग्जिस्टेंस 2% है, लेकिन आप जो कुछ भी खाते हो उससे जो एनर्जी पैदा होती है, कैलोरी पैदा होती है, पूरे शरीर में जितनी लगती है उसका सिर्फ 20% ब्रेन को लगती है। और उस हिसाब से जो मैं आपसे बात कर रहा था कि आपके सेल का भोजन दाल भात रोटी सब्जी ब्रेड बटर पाव भाजी नहीं है, सेल का भोजन क्या है? ऑक्सीजन, थोड़ा बहुत वाटर उसको दे दीजिए, वैसे ही ब्रेन का भोजन क्या है? ऑक्सीजन, वाटर दीजिए। ब्लड का भोजन क्या है? ऑक्सीजन और वाटर दीजिए। बहुत समझदार लोग होते हैं जो दिन भर हाइड्रेट करते रहते हैं, बीच बीच में पानी पीते रहिए, याद दिला दिला के पीते रहिए, खुद नहीं तो अपने पर्सनल असिस्टेंट अपने मोबाइल को कहिए। योग इससे ज्यादा बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन इन बेसिक चीज को अगर मिस करेंगे तो सब गड़बड़ाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सुबह उठते ही उषापान करना है, करेंगे? अब इसको करने का क्या आपने अटेंडेंस रजिस्टर बनाया हुआ है? अथ योगानुशासनम, पतंजलि जी कह रहे हैं, योग जब भी कीजिए उसको एक अनुशासन के रूप में स्वीकार कीजिए, सेल्फ डिसिप्लिन। एक अनुशासन वो कि यहां से आशीष भाई, मनीष भाई और पूरी टीम लगे उषापान किया, नहीं किया गेट आउट, खड़े जाओ उषापान करो। हम लोग तो कभी कभी कॉमेडी में इसमें नाटक वाटक बनाते, जैसे क्या उषापान करते हैं साथ में, क्या TTK करते हैं, आप उषापान क्यों नहीं करते हैं, उषापान करे तो बात बन जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गलित में जारी।
अरे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर है कि नहीं है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। नहीं साहब अब तो बीमार पड़ गए। आज की डेट में नेचुरोपैथी अल्टरनेटिव थेरेपी कॉम्प्लीमेंट्री अल्टरनेटिव मेडिसिन में जो काम चल रहा है वो क्या है? वो लोगों की 30-35 साल 40 साल की मेहनत है। अभी तक कभी पानी पिया नहीं। अभी अभी हमारे दूर के रिश्तेदार गए जिंदल बेंगलोर और सप्ताह भर के 2-3 लाख रुपए 4 लाख रुपए दे के आए हैं। और कह हमने पूछा क्या कराया, तो कह सुपोर्ट के पानी पिलाया। और क्या कराया? समय पे नाश्ता कराया। और क्या कराया? समय पे भोजन कराया। और तो कम वक्त खाने भी नहीं दिया, उल्टा से लाखों लाख रुपए ले लिया। क्या चीज का अंतर था? सेल्फ डिसिप्लिन। आप डिसिप्लिन नहीं थे, उन्होंने आपको 7 दिन का ट्रेलर दिया। वैसे तो साल में 365-366 दिन होते हैं, बाकी दिन अगर नहीं रहेंगे तो फिर से वही हाल होगा। अपन लोग कोशिश कर सकते हैं कुछ ऐसी। चलिए अब एक काम और कर लेते हैं। ये दो टीमें, एक उधर और एक इधर, थोड़ा सा रिलैक्स हो लीजिए। इस टीम की तरफ मैं इशारा करूंगा तो ये ताली बजाएंगे, ठीक है? और वो लोग गाली देंगे। गाली देंगे क्या? मन नहीं है? चलिए लिख के दे दीजिएगा। अरे चलिए छोड़िए, रहने दीजिए, पब्लिक में मन नहीं कर रहा है। आप लोग ताली बजाइए पहले पूरी टीम। 1, 2, 3 स्टार्ट। आपके ब्रेन का रिफ्लेक्स एक्शन कितना शानदार है, आप देखिए। नहीं तो दुनिया में वो बंद करना था क्या? आईएएस बनने के लिए सारी चीजें चाहिए। और आईएएस बनने के लिए आप जितनी किताबी पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना, ये पढ़ के उस कागज में चूंकि इसलिए संघर्ष कर जाए क्योंकि बहुत सारे लोग लग गए ना इस चक्कर में, बहुत भीड़ आ गई है। तो स्क्रीनिंग होने के लिए कागज है, लेकिन अंत में जो सामने जाएगा वो होता है व्यक्तित्व, कृतित्व। और व्यक्तित्व कृतित्व से भी ज्यादा पहले मानव शरीर, मानवी काया, जो है तो ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी। मॉर्निंग सर, ज्यादा प्रैक्टिकली भी नहीं जाते, लेकिन थोड़ा सा इसको लेयर वाइज आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? अब थोड़ा मैं 2-5 मिनट सिर्फ इसी पे थोड़ा बात कर लूं आपसे। रिटन एग्जाम, हम लोग अभी भी स्टूडेंट से ही बात करते हैं। बेटा एक बात, जीवन में कितना समय तुमने रिटन एग्जाम की तैयारी लिख लिख के की? क्योंकि उसमें एग्जाम तो लिखने का होता है। उस समय क्या किया उसके लिए? पढ़ाई की, लिखाई नहीं की। वाइवा हुआ, वाइवा की तैयारी कितने बार बोल बोल के की? उस समय भी पढ़ाई की, बोला ही नहीं। वैसे कुछ लोगों की बोल बोल के पढ़ने की आदत है, लेकिन वो अलग है, वाइवा देना अलग चीज। वैसे ही अगर कोई आपका आईएएस में व्यक्तित्व परीक्षण करने लगे तो उसमें व्यक्तित्व को जी के कितनी तैयारी, या उस समय भी पढ़ पढ़ के। पढ़ना जरूरी है, लेकिन उस पढ़ाई को पैकेज बना के अलग अलग रूपों में अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करने का अभ्यास भी तो जरूरी है। आप ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी की जब बात करते हैं तो क्वालिटी आप में होनी चाहिए। अब वो क्वालिटी कैप्सूल खाने से नहीं आती कि अभी तो आइए अभी तैयारी कर रहे हैं सिविल की, जिस दिन एग्जाम क्लियर हो जाएगा इंटरव्यू पे जाने से पहले 2 घुट्टी ले लेंगे सिरप, और हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजरियल स्किल, सॉफ्ट स्किल सब आ जाएगा तुरंत। चेहरे पे चमक, चाल में धमाक, व्यक्तित्व में कड़ाक जाएंगे ऐसे। थोड़ा इसका अभ्यास पैरेलल करते रहिए, क्योंकि जितना परसेंटेज ऑफ टाइम हम देते हैं ना, और उसके लिए ये बात याद रखिए, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। योग से रिलेटेड बेसिक रिक्वेस्ट यही है। अब आप ये आ जाइए इस विषय पे कि जो हम कहते हैं ना कि हम जो हासिल करना चाहते हैं और जो हमारी क्षमताएं, इसके बीच का जो डेल्टा है ना, जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, वही रीजन है स्ट्रेस का। इसका रीजन है वो स्ट्रेस। मेरे से वजन उठना है 5 किलो और मैंने उठा लिया है 50 किलो, ये बीच का डिफरेंस कितना हो गया? ये तो बहुत ज्यादा हो गया, इतने में तो आदमी खत्म हो जाएगा। लेकिन अपनी क्षमताओं, अपनी योग्यताओं, अपनी प्रतिभा, अपनी उसको मूल्यांकन करने के साथ गैप अगर ज्यादा रहेगा ना, जितना एक्सपेक्टेड था परफॉर्मेंस और जितना हुआ, और इसके बीच का गैप, सामान्य अर्थों में यही स्ट्रेस है। और जीवन में यही चल रहा है, ऐसा होना चाहते हैं लेकिन ऐसे हैं, और जो ऐसे हैं इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए टेंशन में हैं। और जब तक ऐसा होगा तब तक बने रहेंगे। अपने को सोचना है कि अपने को कहां पे किस तरीके से इसको सोचना है। इसमें देखिए, ये स्ट्रेस तो एक साइकोलॉजिकल वे में हम सोचते हैं, लेकिन ये सब चीजों की शुरुआत वहीं से हो जाती है। आप ठीक से मत बैठिए,
आप ठीक से मत बैठिए, सबसे पहले स्ट्रेस कहाँ शुरू होगा? फिजिकल फॉर्म में, कमर में होगा। कमर से कहाँ जाएगा? दिमाग में जाएगा। अब उस पर विचार घूमने लगेगा, कमर में दर्द होना है, कमर में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है। गर्दन, यहाँ पे दर्द शुरू हुआ, फिजिकली हुआ पहले स्ट्रेस, फिर वो मेंटली चला जाएगा। कभी कभी इसका उल्टा होता है, शरीर पूरा सही है लेकिन मन में व्याधि आ गई, तो साइकोसोमेटिक और सोमेटोसाइकिक। साइकोसोमेटिक मतलब पहले मन से शुरू हुआ, तन में गया, और सोमेटोसाइकिक मतलब पहले तन से शुरू हुआ, मन में गया। और इसको बड़े अच्छे से समझाते हैं। आजकल क्या होता है, जब आसपास किसी को तबीयत खराब होती है, किसी को हार्ट अटैक आता है, तो इंसान खुद का दिल छूने लगता है, बार-बार हड्डी डकारे भी आ रही है, हाथ में दर्द भी हो रहा है। इसको हमारे श्रद्धेय डॉक्टर साहब अपनी गीता ध्यान के एग्जाम में इतना शानदार बताते हैं, बोलते हैं कि कई पेड़ों पे कई ऐसी आत्माएं इंतजार कर रही हैं। वो कहती है भाई बहुत याद कर रहा है, बहुत याद कर रहा है, इसको थोड़े थोड़े सिम्टम भी नजर आने लगे, तो चलो इस पे हमला जाके कर ही देते। साइकोसोमेटिक, आप लोग एक बात मानिए कि अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपकी तैयारी अच्छी होगी या खराब होगी? अच्छी होगी कि बहुत अच्छी होगी? अब आप अपने रूटीन में इस शरीर को सही करने के लिए कितना समय दे रहे हैं ये बताइए, खुद से पूछिए, खुद से पूछिए। और आज के इस पूरी यात्रा के बाद हम लोग तो एक ही चीज कहने गए हैं, भैया कुछ करिए मत कीजिए, इस बारे में सोचना शुरू कीजिए, सोचना शुरू कीजिए, सोचना शुरू कीजिए। क्योंकि आप इस दिशा में कुछ सोचने लगेंगे ना, तो ये चीज आपकी लाइफ में आने लगेगी। आप प्लीज इस बारे में सोचिए कि ओवरऑल तैयारी जो भी आप कर रहे हैं, आप थियरी की तैयारी इतनी कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी इतनी कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों तैयारियों के लिए जो यूज होना है वो है आपका दिमाग। इसको आप कितना तैयार कर रहे हैं, पॉइंट नंबर वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि सब कुछ सही रहेगा, तैयारी के शॉर्टकट मेथड सीख लिए, समय के अंदर सारा काम करना सीख लिया, सब कुछ ऑप्टिमम करना सीख लिया, लेकिन एंड टाइम पे दिमाग में टेंशन आ गई, उसी समय सिस्टम शटडाउन हो गया या उसी समय सिस्टम हैंग हो गया, पूरे साल भर की मेहनत कहां गई? आप प्लीज इस बात को गहराई से समझिए। ये जो गायत्री मंत्र जपते हैं, जपवाते हैं, प्राणायाम करते हैं, करवाते हैं, योग निद्रा की बात करते हैं, मेडिटेशन की बात करते हैं, ये सबका सीधा प्रभाव और गहरा प्रभाव किस पे पड़ता है? अगर ये आपका ऑप्टिमम काम करने लगे, जैसे हम लोग का है कंप्यूटर साइंस में इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, नाम सुनो क्या, इनपुट आपको कोचिंग क्लासेस में आप खुद से किताबों से ले रहे हैं, प्रोसेस, प्रोसेस कोई और नहीं कर सकता, आपकी प्रोसेसिंग यूनिक है, डिफरेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं, उसका बटन आपके माता पिता के पास भी नहीं, जिन्होंने हमें इस धरती पे लाया है, कोई है क्या कि अरे घर में फोन कर दिया, हेलो पिताजी रिमोट से जरा हमारी प्रोसेसिंग बढ़ा दीजिए, है क्या ऐसा कुछ? ये सिर्फ और सिर्फ आप ही के कंट्रोल में। आउटपुट क्या है? जब आप लिखते हैं, जब आप बोलते हैं, जब आप कुछ करके दिखाते हैं, जब आपका व्यक्तित्व सामने आता है, हम इस प्रोसेसिंग को कितना बेहतर करें। पूरी कंप्यूटर साइंस की जर्नी जो है, आज हम क्वांटम कंप्यूटिंग तक पहुंच गए हैं, लेकिन इस पूरी जर्नी के पीछे आप क्या देखते हैं, किस चीज पे काम हुआ, सबसे ज्यादा काम किस चीज पे हुआ, प्रोसेसिंग पे। आप अपनी प्रोसेसिंग को बेहतर करने के लिए क्या कर रहे हैं, और इसके लिए माध्यम क्या है? दिमाग के अलावा कोई विकल्प है किसी के पास तो बताइए। सर हम तो बिना दिमाग के भी प्रोसेसिंग अच्छी कर लेते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इस पे रिसर्च पेपर लिखते हैं आपके, आपको सैंपल बना देंगे। और दिमाग सिर्फ खुद नहीं है, सिस्टम है, बॉडी इज अ सिस्टम, बॉडी इन सेल्फ। जब दुर्गा सप्तशती हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें दुर्ग शब्द आता है, क्या शब्द आता है, दुर्ग। और ये दुर्ग शब्द है, ये दुर्ग शरीर के लिए भी कहा गया है। शरीर अपने आप में एक नगर है, शरीर अपने आप में एक डिस्ट्रिक्ट है, एक देश है, और इस देश के आप प्रधानमंत्री है, इस देश के आप राष्ट्रपति है, इसके डीएम अभी से बनिए ना, इसके कलेक्टर अभी से बनिए ना, कलेक्टर उसी दिन बनेंगे जिस दिन जाके पोस्टिंग मिलेगी, अभी से बन जाइए। ये जो पूरा भूभाग है ये आपका है, आप चला सकते हो, आपका बस अगर इस पे नहीं है तो दुनिया को कहां बस में करोगे? हमारी बात को नहीं मानता, हमारी बात को नहीं मानता, खुद से खुद की बात मानी करी। कल रात को बोल के सोए थे सुबह 5 बजे उठेंगे, उठे क्या? आप ही के अंदर कोई बैठा है जो आपका रिजल्ट बना रहा है, और वो आप पे भरोसा करना वैसे ही छोड़ता है जैसे आप अपने दोस्त पे भरोसा करना छोड़ते हैं जब वो आपकी बात नहीं मानता। डोंट वेट जस्ट इनिशिएट मंत्र आपको इसलिए हम कहते हैं क्योंकि जितनी बार आप ना बोलते हो कोई और सुने ना सुने, आपके अंदर बैठा जो है ना सर्वशक्तिमान शक्ति वो सुनती है, आप ही के मुंह से निकली बात आप ही के कानों से अंदर जाती है, और वो कहती है बड़ा खत्म टाइप का इंसान है, हम कर सब कुछ कर सकते हैं, और हम जैसे मान लो कि आपके साथ आपके बड़े भैया हैं, ठीक है,
बड़े पावरफुल है वो, कुछ भी कर सकते हैं, और आप उनके साथ रहते हुए बड़े दीनहीन बने रहो, हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं हो पाएगा। वो भैया से एक बार कहते भैया कुछ ऐसा करा दो, मान लो भैया कर ही डाले, तो बड़े भैया अंदर बैठे हुए हैं, बड़ी बहन अंदर बैठी हुई है, लेकिन उनको सबसे ज्यादा बार हम ही बोलते हैं नहीं हो पाएगा। और जो वो टी शर्ट वाली बात मेरे को एक चीज याद आई, जब हम लोग बड़ा मोटिवेशनल बात चल रही थी तो हम नारा लगवा रहे थे हम बदलेंगे, तो सामने से बच्चे बोल रहे थे यू बदलेगा, तो उतने में जो सबसे पीछे का बच्चा बैठा था वो ना हाथ उठाया और मुंह लटका के बैठा हुआ था, तो हमारा कुतूहल हुआ, मैंने कहा क्या चल रहा है वहां, उसके पास गए तो उसके टी शर्ट पे आगे लिखा हुआ था हम नहीं बदलेंगे। तो मैंने कहा हमारी बात तो हवा में निकल गई, इनने तो प्रत्यक्षता छाती पे लिख रखा है हम नहीं बदलेंगे। तो मेरे को युवा साथी को बुलाना पड़ा, उसको समझाना पड़ा, और इस समझ का सर उसी जगह काम हुआ। एक गर्ल्स हॉस्टल में एक देवी जी हमारे यहाँ की पढ़ती थी, वो आके कहानी बता रही थी कि वो शिमला में कहीं हॉस्टल में पढ़ने गई और उनकी दो जूनियर थी, बड़ी परेशान थी, और वो कहती थी कुछ हो ही नहीं पा रहा, एग्जाम क्वालिफाई हो रहा, टेंशन स्ट्रेस फ्रस्ट्रेशन सब बना रहता है। ऐसे ही उनका रूम देखने गई तो वहां भी यही लिखा हुआ था हम नहीं बदलेंगे। मतलब वैरायटी देखी विचार क्रांति की, कोई छाती पे लिख के घूम रहा है हम नहीं बदलेंगे, कोई दीवार पे चिपकाए बैठा है हम नहीं बदलेंगे। तो उन्होंने सबसे पहले कहा इस पोस्टर को हटाओ, क्योंकि सोते जागते उठते बैठते तुम नहीं जानते कि तुम्हारे इंद्रियों का ये आहार बन रहा है। आहार सिर्फ वो नहीं जो मुंह से ग्रहण करते हैं, सिर्फ खाना ही आहार नहीं है, पानी भी आहार है कि नहीं है, पीजिएगा पानी के अलावा कुछ और ज्यादा नहीं लीजिएगा, क्योंकि खुशी में गम में आजकल लोग गम भुलाने के लिए वही ले रहे हैं, और वो लेने से किसी खुशी वाले की खुशी बढ़ी तो बताइएगा और किसी गम वाले का गम घटाओ तो बताइएगा, उल्टा खुशी गम हो गया, कभी खुशी कभी गम, गम 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 कमर कंफ्यूज हो जाता है ना आदमी, खुशी है कि गम है। इंद्रियों का आहार, क्या देख रहे हैं क्या सुन रहे हैं, निगेटिव बातें ज्यादा सुन रहे हैं। आप एक बार बताइए कि कल मेरे भाई की शादी है और यही मोबाइल है जिससे मैंने प्लानिंग की हुई है पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग करने की, ठीक है, प्लानिंग की हुई है कि मैं इसी से वीडियो रिकॉर्डिंग करूंगा, तो क्या तैयारी करता हूं मैं इसके लिए? वाह, सभी ने बोला बैटरी चार्ज करेंगे, ठीक है, अब बैटरी चार्ज हो गई, अभी शादी शुरू होने में चार घंटे बचे हुए, क्या क्या करेंगे इसमें? मेमोरी कार्ड पे ध्यान देंगे और स्पेस खाली कर लेंगे, और अरे बैटरी भी, हाँ ब्राइटनेस क्या करेंगे? बढ़ा देंगे चार घंटे पहले से, उल्टा तो नहीं करेंगे, घटा देंगे। अब कोई कहेगा भैया रात तीन घंटे की मूवी देख लेते हैं, चार घंटे में एक घंटे में देंगे क्या उसको, देंगे क्या? अरे नहीं, दे देना चाहिए, दोस्त है मांग रहा है, भैया ले लो तीन घंटे की तो मूवी देख लो, दे दिया उसको। और क्या कर सकते हैं? बैटरी सेविंग मोड पे डाल देंगे तो कहीं तो परमानेंट चार्जिंग में लगा के रखेंगे उसको, लगा के रखेंगे जब तक शादी शुरू नहीं होगी। ये है मोबाइल की कहानी, तो अब समझ में आ गया, शरीर में, मोबाइल में, गैजेट्स में, गाड़ी में सबसे प्यारा कौन है? सबसे प्यारा फोन है। कितना ख्याल रखते हैं ना हम इसका। अब थोड़ा सा परीक्षा के समय अपनी स्थिति देख लीजिए, हम 365 दिन की तो बात ही नहीं कर रहे, वो एक दिन जब आपको एग्जाम देने जाना है, क्या उससे पहले आप बैटरी सेविंग मोड पे कभी आए हैं? उस समय भी न्यूरॉन गॉसिप्स हम तो ये कह सकते हैं कभी कभी इस स्ट्रेस में, इस टेंशन में इंसान सालों भर से नहीं सोया होता, सालों साल से नहीं सोया, कई बार हम लोग ने लोगों को सुलाया तो कहते हैं इसे नींद कहते हैं। तो हम लोग अपने विश्वविद्यालय में अपने बच्चों को यही समझाते हैं, बेटा 3 साल आए हो ना कुछ मत सीखो, सोना सीख के, क्योंकि ये सोना है। आपको पता होना चाहिए कि मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो भ्रष्टाचार का मैंने जिक्र किया था ना, आज के समय में इंसान क्या कहता है? सांस लेने की फुर्सत नहीं, बोलता है कि नहीं? Yes. सांस लेने की फुर्सत नहीं है भाई साहब, आप बात कर रहे हैं मतलब आज हम आपके सेशन में आके बैठे हुए हैं, थोड़ी बहुत बात करना है, सांस लेने की फुर्सत नहीं है। अब क्या सच में अगर इंसान के भरोसे भगवान ने सांस लेना छोड़ दिया होता तो हर पल कितने लोग जाते दुनिया से? भगवान का भला हो, जो ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कि अपने आप हो जा रही है, वॉलंटियर कर रहा है हमारा शरीर हमारे लिए, तो हम जी रहे हैं, तो आदमी कई बार सांस लेना भूल जाए, हो जाए कि नहीं हो जाए? और आपको हम बता दें दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो घोटाला है वो है सांस लेना लेने का घोटाला। भगवान का दिया हुआ शरीर है, बिल्कुल सही साठ शरीर है, थोड़ा कमर सीधी होती नहीं है तो ऑलरेडी रेस्पिरेशन आधा से कम ही होता है,
पेट पे हाथ रखिए सभी और आंख बंद कीजिए, महायोग कराते हैं जरा। आंख बंद, आंख बंद, क्योंकि आंख खुली रहेगी तो आप हमारा पेट देखिएगा। आंख बंद, कमर सीधी, सामान्य स्थिति में आ जाइए, आंखें खोल लीजिए। अब आपसे मैं प्रश्न पूछने जा रहा हूं। तो सांस लेते समय पेट फूल रहा था, ऑप्शन ए। सांस लेते समय पेट सिकुड़ रहा था, ऑप्शन बी। और सांस लेते समय कुछ कुछ भी नहीं हो रहा था, ऑप्शन सी। ऑप्शन ए पेट फूल रहा था, ऑप्शन बी पेट सिकुड़ रहा था, ऑप्शन सी कुछ भी नहीं हो रहा था। आंखें बंद कीजिए सभी। देखिए मैं आपको संसार सबके डोंट वेट जस्ट इनिशिएट तब हो सकता है जब लगे कि कोई देख नहीं रहा, नहीं तो बाद में करा। तेरा तो सिकुड़ रहा है, तेरा तो फूल रहा है, कुछ नहीं हो रहा। यही तो समस्या है सारी। कमर सीधी करिए, आंखें बंद कर लीजिए सभी। आंखें बंद, अब हाथ उठाएंगे, ऑप्शन ए। किसी का उत्तर देखने की कोशिश मत कीजिए, अपना आंख बंद रखिए। अरे भाई साहब आंख खोल दिया आपने, गड़बड़ हो गया, हाथ नीचे कीजिए। ऑप्शन बी, हाथ नीचे कीजिए और आप आंखें खोल लीजिए। यहां भी वही हुआ, मेरे देश के भविष्य, मेरे युवा, मेरे आईएएस, कुछ नहीं हो रहा था साहब, कुछ हो ही नहीं रहा था। 5% लोगों का फूल रहा था, 5% का सिकुड़ रहा था, बाकी 90% के साथ क्या हो रहा था भाई। नॉर्मली कभी कभी ना हम लोग 70-70 साल वालों से जब ये प्रश्न पूछते हैं तो शिक्षा विद्या की बात करते करते हम यही कहते हैं, मास्टर साहब सिलेबस में नहीं था ना। कक्षा 9 में रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाए 3 कलर की पेंसिल लगा के, 25 में से 23 नंबर पाए, 2 नंबर पता नहीं कहाँ काट लिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा पता है, कहाँ लंग्स हैं, कहाँ एल्वियोली है, कहाँ ब्रोंकाइटिस है, कहाँ ब्रोंकियोल्स है, कहाँ गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, पूरा डिटेल में उसका उत्तर लिखा है हमने, फुल अंडरलाइन कर करके, लेकिन सांस लेना नहीं सीख पाए। मजाक है कि नहीं जीवन के साथ? बड़ा गहरा मजाक है। हमारे यहाँ डॉक्टर्स ट्रेनिंग के लिए आते हैं, कोई प्रोग्राम हुआ था अभी कुछ दिन पहले, शायद वो डॉक्टर्स आए थे, मुझे ससम्मान कहना पड़ रहा है कि उनकी विद्या का सम्मान, सब कुछ सम्मान, उनसे भी जब ये प्रश्न किया गया तब से हमको ये लगा है इन डॉक्टर्स को हम दिखाने जाते हैं कि हम ठीक से सांस लेना नहीं सिखाते हैं। विदेशी लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं, मैं हर चीज का आपको जवाब दे रहा हूँ। टेड टॉक पे जाइए, टेड टॉक सुनते हैं आप लोग, टेड टॉक पे जाइए, एक विदेशी आपको समझाएगा व्हाट इज द राइट वे ऑफ ब्रीदिंग, और जब आपको समझाएगा तो आपको बताएगा कि कैसे जब हम पोस्चर ऐसे रखते हैं हमारी वेनस नर्व्स यहां से पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक फ्लो करती है, जो इतनी हिम्मत करती है कि एंटी ग्रेविटेशनल वे में ब्लड को ऊपर पंप करती है हार्ट तक ले जाने के लिए, उसका काम हम कितना बढ़ा देते हैं। उसका एक काम तो वो रहता ही रहता है, लेकिन जब हम थोरेसिक ब्रीदिंग कर रहे थे, सिर्फ छाती से श्वास ले रहे होते हैं, तो उसका एक काम हम और बढ़ा देते हैं, फिर इंसान का पोस्चर बिगड़ जाता है, फिर थोड़े दिनों में ऐसा हो जाएगा, और फिर ऐसा सीधा करने के लिए डॉक्टर के पास जाएगा। वो डॉक्टर का खुद कभी सीधा हुआ नहीं ऐसे, तो बेचारा वो क्या करेगा, वो भी लगा हुआ है। आप उसको नियम धर्म समझाएगा तो आप कहेंगे बड़ा नियम पढ़ा रहा है ये डॉक्टर। डॉक्टर को आजकल पेशेंट समझाता है, वो पीली वाली एक गोली दे दीजिए, वो गुलाबी वाली एक दे दीजिए, और कोई भी परहेज मत बताइए, तब तो आप सही डॉक्टर हैं। मैं कई परसों ये कानपुर के एमबीबीएस त्रिपाठी जी से बात होती थी, एमडी वो यही कह रहे थे, कमबख्त आज की डेट में प्रवचन चाहे टीचर दे, प्रवचन चाहे गार्जियन दे, प्रवचन दोस्त देने लगे, प्रवचन डॉक्टर देने लगे, आदमी कहता दूर रहो इससे, समझाता बहुत है। तो क्या करना चाहिए, गड्ढे में धकेल देना चाहिए भाई, हम ऐसे खड़े, हमारा दोस्त कोई ऐसा हो जो अड़ंगी मार दे गड्ढे में, वो ज्यादा सही। राइट वे ऑफ ब्रीदिंग में बस थोड़ा सा अभ्यास ही हो जाए, हम योग जीवन में कितना करें ना करें, तनाव जीवन से अगर भगाना है तो अपने सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचाएं, अपने ब्रेन को राइट वे में ऑक्सीजन पहुंचाएं, अपने ब्लड को प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचाएं, क्योंकि वहां जो भ्रष्टाचार चल रहा है, बाकी बाहर का सारा टेंशन छोड़ ही दीजिए। बाहर की चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? मनस्थिति बदल सकते, परिस्थिति आप डायरेक्टली नहीं बदल सकते। मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले, तो मनस्थिति बदलनी है जो हमने कहा। आप अभी से डीएम बनना चाहते हैं कि नहीं? बना दें आज से। ये देखिए ये जो बाउंड्री है ना, ये है आपका डिस्ट्रिक्ट, इसके डीएम बन जाइए। और इसको चलाएंगे कहां से आप? उसको हम नेक्स्ट सेशन में कल बात करेंगे। यहां से चलाएंगे, कहां से चलाएंगे? ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे एप्स यहां इंस्टॉल कीजिए जिसमें कि आप उसको वो कमांड दे और बॉडी की प्रोग्रामिंग हो सके। फायदा किसका है इसको?
अगर आप जगते में तो कहता हूँ आपके परिवार में आज आप क्रांति कर दीजिए, किसी को गिफ्ट में हर चीज का 10,000 का आप गिफ्ट दे दीजिए और किसी को एक पल फोन करके राइट वे ऑफ ब्रीदिंग सिखा दीजिए। दोनों में ज्यादा कीमती कौन है? सिखाते हैं लेकिन क्या लोग रिश्तों की अहमियत अगर समझते हो तो अपने घर में बैठ के लोगों को सांस लेना सिखाओ, अपने माँ को अपने पिता को। हमको इतनी समस्याएं है जीवन में, इतना दर्द है, माँ के घुटने में दर्द है फिर भी रोटी उसी से मिलवानी है और एक दिन उसको धन्यवाद नहीं बोलना है। पिता दिन रात टूट के काम कर रहा है, यहाँ बेटा बेटी आराम से जो है कंबल आसन ग्रेविटेशन के उसमें, मतलब अपने अंदर एक मोटिवेशन पैदा कीजिए। हमने तो जीवन भर जब भी पढ़ाई की हम तो इतने बड़े लक्ष्य को लेके नहीं चल सके, लेकिन हमने हमेशा अपने माता पिता की तस्वीर अपने तकिए के किनारे रखी और आज भी हम ये मानते हैं आपके जीवन में माता पिता अपने आप में आपको ताकत देते हैं, उनकी शक्ल देखते ही आपको याद आना चाहिए इस पल ये क्या कर रहे हो, इस पल ये क्या कर रहे हो। जब हम बेगानी में अपनी जिंदगी का एक भी पल अगर गुजारते हैं उस पल वो क्या कर रहे होंगे, उस पल मेरा पिता उसी ट्रेन में धक्के खाता हुआ कहीं जा रहा होगा और वो सिर्फ मेरे लिए और मेरे भाई और बहनों के लिए दिन रात कितनी गालियां खा रहा होगा, दिन रात कितने टेंशन में जी रहा होगा, उसकी टेंशन क्या मैं कम करने जा रहा हूँ? और सिर्फ उसी की टेंशन या ऐसे अजाने अनेकों पिताओं की टेंशन, अनेकों दोस्तों की टेंशन दूर कर सकता हूँ? जितना चैप्टर पढ़ना है उसके पीछे माता पिता की तस्वीर लगा के रखिए और मन में एक लक्ष्य रखिए, माता पिता के दर्शन करते ही सुना है आज या इसको ऐसे करते ही करना है, तो एक लक्ष्य लेके चल सकते हैं। मुद्दा यही है राइट वे ऑफ ब्रीदिंग, लंबी गहरी श्वास लीजिए और पेट फूलना चाहिए, कमर सीधी कीजिए। एक ही चीज सिर्फ याद रखिएगा श्वास के साथ, एक चीज याद रखिएगा, एक है बात लंबी और दूसरा क्या है गहरी। लंबी मतलब ड्यूरेशन। कभी घड़ी देख के सांस ली किसी ने? जबकि बिना सांस के जीवन चल जाएगा ना। आपको हम बताओ गहरी मतलब फेफड़ों है, दो फेफड़े। एक बार मैंने एक इंसान से पूछा भैया फेफड़े कितने, उसने बताया एक। I was too happy to know he was a scientist next to someone। एक फेफड़ा है पूरा एक। मैंने कहा भाई साहब बहुत अच्छे, मैंने कहा मेरा भी एक ही होगा। लंबी और गहरी श्वास। विचारों का, मन का, मूड का, स्ट्रेस का, एंगल का, सबका समाधान लंबी और गहरी श्वास। एक ही लक्ष्य सेल्स को ऑक्सीजन देना है, एक ही लक्ष्य ब्रेन को ऑक्सीजन देना है, एक ही लक्ष्य माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन देना है और दूसरा CO2 बाहर निकालना है, CO2 बाहर निकालना है। क्योंकि भ्रष्टाचार वही चल रहा है, O2 अंदर खींच भी लिए और CO2 बाहर नहीं निकाले तो O2 और CO2 की बेसिक केमिस्ट्री आप जानते हैं अंदर क्या हो रहा है। एक एक सेल, एक एक ऑर्गन, ब्रेन सब डेड धीरे धीरे होते रहे। हम पल पल मर रहे हैं, पल पल मर रहे हैं, पल पल मर रहे हैं। दुनिया ने एक गिनी हुई सांस तो हमें दी थी, उससे कम में हम अपनी जिंदगी शॉर्टकट में निपटा रहे हैं। अब कोई कह रहा है इसको करके क्या करेंगे, IAS निकाल लेते हैं पहले और उसी बीच में कहीं निकल लिए तो। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप सब तो जीवे तो श्रद्धा शतम है ना, हम कह रहे हैं कबर सीधी। और एक बार बताइए अभी पंपिंग स्टेशन जो आपका है इसको सही करने कोई और आएगा क्या? इसका संकल्प दिला के जाएंगे आज इनको अच्छा चंदन हाथ में लगा के कम से कम राइट वे ऑफ ब्रीदिंग सीखिए, क्योंकि यहाँ पे आने की हर पल की मेहनत सफल। कमर सीधी, आंखें बंद, पेट पे हाथ रखिए, पर्सनल जो आपका पेट है। आंखें बंद, अब इसमें दाएं बाएं के पेट पे हाथ रख के चेक मत कीजिए, तेरा सही चल रहा है के साथ। कमर सीधी, आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास, श्वास लीजिए गहराई तक जाए श्वास, फेफड़े नीचे तक फूले, डायफ्राम नीचे दबे और पेट बाहर निकले, परमानेंट नहीं बस सांस लेते चले। श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, आंखें खोल लीजिए सामान्य स्थिति में आइए जल्दी से। थोड़ा सा एक बात समझ लीजिए, पढ़ने के पहले मन एकाग्र करना हो तो ये कीजिए, सोने के पहले चैन से सोना हो तो ये कीजिए, उस समय लेटे लेटे कर लीजिए बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स करके। योग निद्रा का एक अभ्यास कराया जाता है, शवासन का एक अभ्यास कराया जाता है। हम तो ये कहते हैं इस पूरे मुद्दे में पोस्चर, पढ़ना कैसे है बैठ के, लेट के पढ़ना हो तो उसका भी लाभ मिल जाएगा भविष्य में, उसका ध्यान रखिएगा। जब यहाँ पे लगाना पड़ेगा बड़े दुख के साथ,
फिर मत कहने आइए ना कि ये तो सिलेबस में नहीं था। सिविल के सिलेबस में कहाँ था ये? बताइए। एक बार क्या हुआ, हम लोग जीवन प्रबंधन पढ़ाते हैं तो वहां पर कुछ विद्यार्थियों ने फीडबैक दिया, वो फीडबैक हमारे पास आया, वो क्लास कोई और लेता था लेकिन उस समय हमें भेजा गया वहां पे। फीडबैक में सबसे ज्यादा फीडबैक यही आया, बहुत थ्योरी करा रहे हैं, प्रैक्टिकल कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या हुआ कि अगली क्लास में हम पहुंचे वहां पर और 8:15 के बाद 35 लोग बाहर खड़े थे। टाइम मैनेजमेंट पे चर्चा हो रही थी, 5-10 मिनट उन्होंने बाहर संघर्ष किया, उसके बाद दरवाजा खुला, कहे सर ये क्या है? मैंने कहा प्रैक्टिकल। क्या चीज का? टाइम मैनेजमेंट का। 8:15 में क्लास है, आप 8:20 पे आ रहे हैं, हमने प्रैक्टिकल कर दिया। गलत तो नहीं किया ना, मतलब उसके हिस्से का जो काम है कम्बल तो कर नहीं रहा, पता नहीं और क्या करना चाहता है। और इस पूरी टॉक के शुरुआत में एक बात मैं आपसे कहना चाहता था, फिर अब कह देता हूँ जो उस समय नहीं थी। नाक पकड़िए सभी जरा ऐसे, एक तो हुआ नाक ऐसे पकड़ना और एक ऐसे हुआ कैसे, ऐसे घुमाइए पीछे से, ऐसे पकड़िए और अब सामान्य स्थिति में आ जाइए। देखिए हम लोग से एक गलती बस पता क्या होती है, हम लोग सीधे नाक ऐसे पकड़वाते हैं लेकिन दुनिया को जल्दी से पसंद नहीं आता, क्योंकि सरल सरल भाषा में सरल तरीके से चीजों को अगर बताया जाए तो आदमी लगता हाँ क्या नया था इसमें, वही तो था। कई कई जगह हम लोग वर्कशॉप लेके आ जाते हैं तो जो परमानेंट वर्कशॉप वाले ऑडियो वाले होते हैं वो आके कहते हैं भाई साहब इतना सारा आप एक ही दिन बता के चले गए तो पिछला 15 दिन में इतना नहीं बताया था। अरे भाई साहब हमारा गुनाह यही है कि हमें इसकी फिक्र नहीं है, हमें आपसे एक अठन्नी ना चाहिए, रखो अपनी, कल को अगर 100 साल जी गए तो याद भी रखोगे क्या? नहीं रखोगे, इंसान है हम सब, आप भी वही और हम भी वही है। लेकिन हमारे गुरुदेव ने यही कहा भैया जीवन जीने की कला थोड़ा सीख ली जाए, किसी का भला कर दिया जाए। और भलाई का इससे बड़ा काम हो सकता है क्या कि यहाँ बैठे कम से कम 100-150 लोग हैं, ये सब 10-10 साल एक्स्ट्रा जी जाए लंबी गहरी सांस लेंगे और उसका जो पुण्य आएगा बैंक में वो आपके म्यूचुअल फंड और किसी से बहुत ज्यादा होता है, वो हमें चैन से सोने देता है हाथ पैर फेंक के, कोई उधार बचा नहीं, सब निपटाया हुआ है और बचाए और काम करेंगे। तो आप कृपया लंबी और गहरी श्वास लें, अपने लिए ना लें, अपने ब्रेन के लिए लें, अपने लिए ना लें, अपने लंग्स में बैठे एल्वेलाइज के लिए लें, अपने लिए ना लें, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए लें। भाई कक्षा 8 में वो सेल का डायग्राम इसलिए भी बताया था मास्टर ने, वैसे मास्टर साहब को उस समय भी ये समझाना चाहिए था लेकिन किसी को किस्मत से मिले वैसे मास्टर साहब तो बताइए जो माइटोकॉन्ड्रिया तक सांस ले जाने का प्रैक्टिकल उस समय क्लास में करा रहे हो कि बेटा ये सांस आप ही लेते हो और आप ही को वहां तक ले जानी है, हम तो यहीं तक अटके हुए हैं। WHO की रिपोर्ट ये कहती है कि इंसान अपने ब्रेन का 50% से ज्यादा हिस्सा यूज ही नहीं करता, वो डेड हो जाता है नीचे का। ये जो नीचे का है ना हमारा लंग्स, वो इंतजार कर रहे हैं आओगे भैया कब आ रहे हो सांस लेके, तो सांस तो आई नहीं, सांस आ गया यही आ गया, वो जो नीचे वाला हिस्सा है ना हमारा लंग्स का वो इंतजार में है, आएगा आएगा आने वाला, O2 लाएगा CO2 ले जाएगा, आएगा अभी तक 20 साल से आया ही नहीं। फिर इंसान की आदत उसको प्रयास पूर्वक उसके नाक में कोई पंप हाउस भी लगाए ना तो भी नहीं बोलते नीचे लंग्स, वो कहते भाई भूल गए, जैसे आपका ये हाथ ऐसा रख लीजिए महीने भर फिर वो हाथ भूल जाएगा कि उठते भी है, तो इसीलिए थोड़ा ऐसे उठाइए जरा फिर से। ताड़ासन टी बाएं लेफ्ट साइड तिर्यक ताड़ासन, श्वास लेते हुए बीच में आइए, श्वास छोड़ते हुए दाएं तरफ जाइए, तिर्यक ताड़ासन श्वास लेते हुए बीच में आइए। अब अगला जो है उसके लिए हाथ फैलाइए, नहीं मैं वही पहले बता रहा हूँ, ये इसके बाद ये ताड़ासन हो सकता है तो आप हाथ दीजिए करिए, देखिए हाथ दीजिए कर लीजिए, आप देख लीजिए ये है कटी चक्रासन। कटी चक्रासन कैसे है? कटी मतलब कमर, और कमर के पास है हमारे लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो रात को खाया था वो सारा कहाँ गया हुआ है? वहीं पे रखा हुआ है। आप किसी को फिक्स डिपॉजिट की तरह जमा करके रखना होगा तो रख सकते हैं कि भैया अभी 2-3 दिन चलाएंगे इसको और फिर पूरे चौंक को महकाएंगे और दुनिया को बताना चाहते हैं।
देते हुए बीच में आएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए ऐसे जाएंगे। अब हमने क्या किया, नाक ऐसे ही पकड़ा लिया। इसी को थोड़ा सा कहते हैं प्लीज स्टैंड, फोकस योर आईज ऑन टू द सेंटर, प्लीज। वो कभी फुर्सत से करते देखिए, ऐसे पैर फैलाया, हाथ ऐसे किया, श्वास छोड़ते हुए। अब देखिए कितनी चीजों का व्यायाम हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड ठीक है, यहाँ तक मेडुला ओब्लॉन्गाटा तक, आंखों की गेज से हम वो अगली एड़ी को देख रहे हैं, ये गर्दन, हाथों का, इतने सारे जॉइंट्स आपके हैं जो रिलैक्स कर रहे हैं। और इसको तेज तेज कर लेते हैं सुबह सुबह, श्वास छोड़ते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए। तो पहला हो गया आपका सबसे पहला काम, निशा पान नहीं उषा पान, समटाइम्स इट बिकम्स वेरी रिस्की। वो भी अगर पहले से पानी पीते हो डेढ़ दो गिलास, एक जग तक आदमी, एक जग ज्यादा मत पीजिएगा क्योंकि उसके बाद फिर किश्तों में जो है शंकाएं पैदा होती लघु वाली, तो थोड़ा थोड़ा आवाज आ रही है, थोड़ा जल ले लिए, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है ना, असल में दिल की आवाज है, दिल की आवाज है। तो देखिए पहले जल पिएंगे, उषा पान, हाइड्रोथेरेपी, कोई अगर स्टैंडर्ड में करना चाहे तो आप बोल सकते हैं दिस केम फ्रॉम जापान, दिस इज हाइड्रोथेरेपी व्हिच आई एम डूइंग। अब उसके बाद सबसे पहला ताड़ासन, तीन से पांच बार कीजिए। और जब इसे कीजिए तो हम आपको सिर्फ एक चीज बता दें, आप योग में कोई आसन आज तक जीवन में किए हो ना किए हो, ईमानदारी से ताड़ासन, जिस दिन आप ईमानदारी से करने लगेंगे ना, आपको उस दिन डीओजी साहब याद आएंगे। डीओजी साहब देखे कि नहीं देखे, जो मोहल्ले के डीओजी साहब होते हैं ना, वो भी सुबह सुबह ताड़ासन करते हैं। अब उनके चूंकि चार है, मतलब हाथ पैर मिला के, तो ऐसे ही कर लेते हैं। लेकिन उनका सबसे पहला काम है कि दिन भर की आलस्य, दिन भर का तनाव, दिन भर की थकान को दूर करने के लिए सबसे पहले ये जो 32 वर्टिब्रल कॉलम्स है मेरे रीढ़ की हड्डी के, इस जॉइंट्स को मैं रिलैक्स कर लूं। अगर इसमें जकड़न बची हुई है, आपकी कितनी दिन की बची हुई है जकड़न जो नहीं करते, उनको पता है डेढ़ दो महीने तक तो दर्द सताएगा। और वो अगले दिन एक बार हम लोग एक जगह वहां गए थे डीआरडीओ में, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, तो सही साइंटिस्ट है मसूरी के ऊपर, तो वहां कुछ वैज्ञानिकों को हम लोगों ने कराया है। अब वैज्ञानिक देश दुनिया से आए थे, अगले दिन उसमें कई वैज्ञानिक ऐसे देख रहे थे, घबरा रहे, इलाका भी बहुत सुदूर है, यहाँ निपटा दिया इन्होंने तो पता भी नहीं चला। तो हमने उनकी शक्ल की ओर जब देखा तो उन्होंने कहा क्या करा दिया आपने, इतना दर्द हो रहा है इनको, ये हो रहा है वो है। मैंने कहा चलो इस नाते बंदे की फ्रस्ट्रेशन तो दूर हो रही है, मैंने कहा दरअसल दर्द कुछ और है सर। और मैंने कहा ये जो दर्द है, मैंने उनको प्यार से कहा, मैंने कहा सर इस दर्द को पैदा किसने किया है, दर्द तो आपने इतने दिनों से दर्द को पाले बैठे थे, इतने दिनों से दर्द का कारण पाले बैठे थे, कमर आपकी थी, किसी ने मना किया था इसको ताड़ासन करवाने के लिए, किसी ने मना किया था गड्डी के चलासन करवाने के लिए, और आज जब सब अकड़ गया है और उसको हम थोड़ा ठीक कर रहे हैं, हमने बोला भैया ज्यादा प्रयास मत करना, तो उनको एक ही दिन में सब छू देना है आसमान। अब आपको बता रहे हैं आपके कोर्स में होना चाहिए, जो जितने इंस्टीट्यूट है सब में कंपलसरी सुबह उठते ही उषा पान और उसके बाद ताड़ासन। खड़े हो जाइए जरा सर, और ये ध्यान रखिए आप लोग को ताड़ासन वो नहीं करना जिससे प्रोजेक्टर का ताड़ासन हो जाए, आप कटी चक्रासन करते हैं ठीक है। रेडी, वन टू थ्री, चार, श्वास लेते हुए ऊपर खींचे, ऊपर छूना है हमें ये सीलिंग, वापस आइए सिर पे ऐसे हाथ रखिए, श्वास लेते हुए फिर चेहरा लटका के करना है, श्वास छोड़ते हुए वापस, पानी तो नहीं पियो किसी ने जाते श्वास लेते हुए ऊपर, आप ऊपर हाथ कीजिए दोनों पैरों के बीच में एक से फीट डेढ़ फीट की दूरी, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ लेफ्ट साइड, श्वास लेते हुए बीच में आइए, श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ जाइए, श्वास लेते हुए बीच में आइए, हाथ नीचे कीजिए और बैठ जाइए। तीसरा वाला क्या है हमारा, कटी चक्रासन, बैठ जाइए ठीक है, थैंक यू। हाइड्रोथेरेपी हो गई, एयर थेरेपी हो गई, एयर थेरेपी मतलब लंबी गहरी श्वास, सुबह सुबह थोड़ा बाहर निकल के श्वास श्वास ले लीजिए, और उसके साथ थोड़ा सा सन थेरेपी कर लीजिए। दिल्ली में बनाया है ना लंबी गहरी श्वास, मैं आपका संकल्प
ये जो था ना ये पूरा प्लान्ड था, ये जो मैंने काम किया ना, मैं भी जानता हूँ 999 के आगे मीटर बढ़ नहीं रहा है, पर ये जानकारी मैं लेके आया। लंबी गहरी सांस लेना मना है। बिल्कुल सही बात कही आपने, और योग में भी ये होता है, लेकिन जीवन भर दिल्ली में तो नहीं रहना। और अगर जीवन भर दिल्ली में रहना भी है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह तो ऐसी हो सकती है जहां सब मतलब दिल्ली में क्या हर आदमी अब सांस लेना छोड़ दिया है। लंबी गहरी प्रयास पूर्वक आप सच में ईमानदारी से देखिए, 24 घंटे में पहली बार, अभी मैंने प्रश्न पूछा था ना आपसे, सांस देने पे ध्यान देते थे क्या? हम कहते हैं लंबी गहरी के चक्कर में कम से कम अपनी सांस पे ध्यान देना शुरू कीजिए, बाकी कितनी लंबी गहरी आप लेते हो तो आप बताएंगे बाद में। मतलब मैंने शुरू में ना गायत्री मंत्र जब हम लोग जपाते हैं तो उसमें यही होता है कि दोनों ऑप्शन है अपने पास, सही और गलत, देश काल और परिस्थिति के हिसाब से। अब ऐसा ना हो कि कल सामने जो है वो गाड़ी जा रही है वहां प्राणायाम कर, तो इतनी समझ हर किसी में है, उस हिसाब से वो आप सब उसका समझ का इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि एक लाइन कही जाती है क्या, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझो तो यही समझ है, और समझ समझ के भी जो ना समझे मैं ना समझूं मुझे माफ कीजिए। तो अब अगले कुछ मिनटों में हमारे आशीष भाई आपसे कुछ बात करेंगे, तो हमारी कुछ चीजों को अपन ध्यान रखेंगे। पोस्चर किस पे ध्यान देना है? पोस्चर टीटीके, हाइड्रोथेरेपी और उसके अलावा काफी कुछ, जिसको कि कल जब फाइनली हम लोग करेंगे एक बार रिवाइज करा देंगे आपको, ठीक है? तो आप करेंगे इस काम को? Yes, करके देखिएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। थैंक यू। एक बात तो जो भी ये प्रश्न चल रहा था इसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ कि हमारे गुरुदेव ने ये बात कही है, श्वास लेने का तो एक अभ्यास है कि आपको कितनी श्वास लेनी है। तो ये तो अभी तक इतना इन्होंने जो आपको प्रैक्टिकल कराया तो ये समझ में आया कि हम 50% ही यूज कर रहे हैं, ले रहे हैं, उससे भी कम ले रहे हैं। तो अभी आपको लंबी गहरी नहीं लेनी है, मतलब कहाँ तक एकदम जो वो गहरा वाला प्राणायाम है वहां तक की बात है। उसके लिए भी लिखा है गुरुदेव के एक वांग्मय, व्यक्तित्व तो परिष्कार की उच्च स्तरीय साधना है। चौथे पांचवें पन्ने में उन्होंने इसके लिए वो लिखा है कि आपको प्राणायाम जैसा अभ्यास कहाँ करना चाहिए। तो उन्होंने कुछ ऑप्शंस दिए हुए कहाँ कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा यदि उसके लिए कोई बेस्ट प्लेस है तो वो गंगा का तट है। वो तो कभी कभी आइए हरिद्वार तो हम कराते हैं, ठीक है। सेकंड उन्होंने कहा, उसके बाद जो सेकंड प्लेस है जहां आप लंबी गहरी श्वास लेकर के प्राणायाम कर सकते हैं वो स्थान है कोई उर्वरा भूमि, जहां पौधे लगे हो, पेड़ हो या खेत हो। तो कहीं ऐसा जगह हमें मिले जहां पेड़ के नीचे हम बैठे हो, कहीं पौधे हो, हरी जगह हो, वहां कर सकते, क्योंकि उस जगह आपके जितनी उपयोग की उतनी ऑक्सीजन तो है कि आप लंबी गहरी सांस ले सकते। और फिर तीसरे लेवल पे उन्होंने कहा है कि फिर बंद कमरे में नहीं, खुले आसमान के नीचे। तो दिल्ली में अभी ये समस्या है तो जो ऊपर वाला एक ऑप्शन है उसका ढूंढिए, उसकी जगह ढूंढिए कि कोई ऐसी जगह है जहां हम कहीं पेड़ के पास या किसी उसके पास में कुछ देर इसका अभ्यास करें। तो फिर वो ज्यादा देर का होगा और जब कॉन्शियस हो जाएंगे तो फिर लंबे समय में जब भी श्वास लेंगे प्रैक्टिस में आएगा।